स्क्रीन शेयर, अभी स्क्रीन शेयर दिख रहा होगा सबको। तो ये हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005। ये रूल क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है, एग्जाम में हम पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए, इवन एग्जाम के बाद भी, एग्जाम के अलावा भी इसकी क्या जरूरत है जानने की, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि एक प्रकार से जैसे हम रेलवे में काम करते हैं तो रेलवे बोर्ड या रेलवे या मिनिस्ट्री रेलवे एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला इश्यू रहता है। जैसे कोई भी इंडस्ट्री में हम काम करते हैं तो हर इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री का मालिक होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होंगे। तो एज ए जनरल हर इंसान, आप भी जैसे घर में अपने कोई शॉप खोली होगी, वहां कोई काम कर रहा होगा, घर में आपके कोई काम कर रहा होगा, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में हमेशा एम्प्लॉयर चाहेगा कि मेरे एम्प्लॉय से मैं खूब काम करूँ, 4 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे वो काम करता ही रहे, बेनिफिट ना दू। जनरली आदमी सोचता है कि मैक्सिमम काम दू और उसको कम से कम मुझे बेनिफिट देना पड़े। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कि एम्प्लॉय का ज्यादा शोषण ना हो, उसको हम ज्यादा एक्सप्लॉइट ना करें, सरकार ने एक नियम बनाया है जिसका नाम है रेलवे एम्प्लॉयज के लिए, खासतौर से ये जो नियम है रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005। इससे पहले जो नाम था HOR जो है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, मतलब जो एम्प्लॉय है हमारे रेलवे में काम करते हैं उसके आवर्स ऑफ वर्क को कैसे रेगुलेट किया जाए कि वो कैसे हर दिन कितने घंटे वो काम करेगा, कितने घंटे काम करने के बाद उसको रेस्ट कितना घंटा मिलना चाहिए, कितने दिनों के बाद रेस्ट मिलना चाहिए, जैसे हम 7 दिन में बोलते हैं 7 दिन में एटलीस्ट एक रेस्ट होना चाहिए, तो किस तरह कितने दिनों में एक रेस्ट होना चाहिए और कितने घंटे का रेस्ट होना चाहिए, कितने घंटे वो डेली काम करे, काम करने के बाद अगली ड्यूटी जब शिफ्ट उसकी स्टार्ट हो तो वो कम से कम कितने घंटे बाद हो। ये नहीं कि अभी आपने ऑफ ड्यूटी किया सुबह से, सुबह 10 बजे आए, आप शाम को 6 बजे आए, फिर आपको 2 घंटे बाद फिर बुला लिया आपको, ऐसा नहीं। तो कितने घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, एक ड्यूटी ऑफ करने के बाद नेक्स्ट ड्यूटी दोबारा आपको कितने टाइम के बाद बुलाना है, और मान लीजिए शॉर्टेज है स्टाफ की और आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़े तो एक्स्ट्रा काम करने के बदले आपको ओवर टाइम देना चाहिए। तो ये सब नियम बनाए गए हैं ताकि एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसी के लिए ये नियम हम पढ़ रहे हैं। बीइंग सुपरवाइजर, आप सब लोग सुपरवाइजर हैं और गजिस्ट्रेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये रूल्स जनरली गजिस्ट्रेट में जाने के बाद एज ए ऑफिसर की पोस्ट में आपके साथ नीचे एम्प्लॉय काम करेंगे तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या रूल है, हम पढ़ क्यों रहे हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि ये रूल क्या है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि इस जो एक्ट है उसका ऑब्जेक्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्ट इसमें भी लिखा हुआ है टू रेगुलेट द आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक कर्मचारी से कितने घंटे हमको काम लेना है डेली के हिसाब से, टू रेगुलेट द पीरियड ऑफ रेस्ट, कितने दिनों बाद रेस्ट हो और कितने घंटे का रेस्ट हो, और उसके बाद है टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ ओवर टाइम फॉर एक्स्ट्रा आवर्स परफॉर्म बियॉन्ड आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि कोई आदमी और कर्मचारी एक्स्ट्रा जितना उसका फिक्स किया हुआ है कि इतना रोस्टर ड्यूटी करना है और उसके बाद एक्स्ट्रा काम कर रहा है वो, तो उसको ओवरटाइम देने का भी इस एक्ट में दिया गया। तो कुछ बोल रहा है, ये एम्स एंड ऑब्जेक्ट है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या HOR क्या चीज है। अब हम नेक्स्ट, पहले ये एक स्लाइड रह गया था, पहले बता दूं कि 2005 में ये आया था और 2005 से लागू हुआ, ये तो आपको बता चुका हूँ। एम्स एंड ऑब्जेक्ट आ गए, अब ये आएगा कि ये एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, ये जो एक्ट है HOR या नया जो रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो एक्ट 2005 है, किस किस पे लागू होता है, किस रेलवे कर्मचारी पे लागू होता है, उसके लिए बताया गया है कि ये सभी नॉन रजिस्टर्ड रेलवे एम्प्लॉय पे लागू होता है एक्सेप्ट इनको छोड़ के। पहला है RPF स्टाफ पे लागू नहीं होता है, दूसरा स्टाफ गवर्न अंडर फैक्ट्री एक्ट, इंडियन शिपिंग कॉर्पोरेशन एक्ट एंड माइनिंग एक्ट, जो स्टाफ है जो इन एक्ट के तहत गवर्न है उन पे लागू नहीं होता है, फैक्ट्री एक्ट, इंडियन शिपिंग कॉर्पोरेशन एक्ट एंड माइनिंग एक्ट। इसके बाद कैजुअल लेबर गवर्न अंडर, जो कैजुअल लेबर है उन पे लागू नहीं होता है, इन तीन लोगों पे लागू नहीं होता है। इसके अलावा जितने भी नॉन रजिस्टर्ड एम्प्लॉय है सब पे लागू होता है ये। अब अगला ये आता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टाफ की, इस HOR के तहत
जैसे मैंने बताया गया कि सारे के सारे ग्रुप सी जो भी नॉन रजिस्टर्ड एम्प्लॉय हैं वो इन पे लागू होता है। तो इस एक्ट के तहत जितने भी नॉन रजिस्टर्ड स्टाफ है उनको चार भागों में डिवाइड किया। जैसे हमारे यहाँ आदमी लोगों में अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार धर्म में माने जाते हैं, ऐसे रेलवे कर्मचारी को उनके काम के आधार पर, वो कितना काम करते हैं, काम का उनका नेचर ऑफ वर्क और कितना वो ज्यादा मेहनत करते हैं उसके आधार पर, उनके काम के आधार पर और नेचर वर्क के आधार पर पूरे नॉन रजिस्टर्ड सभी कर्मचारियों को चार भागों में बांटा गया है। पहला है इंटेंसिव, दूसरा इसेंशियली इंटरमिटेंट ईआई, तीसरा कंटिन्यूस और चौथा है एक्सक्लूडेड। डिटेल हम बाद में बताएंगे, हल्का सा मैं ब्रीफ बता दूं आपको। इंटेंसिव में वो लोग होते हैं जो उनको पास काम बहुत ज्यादा रहता है, कंटिन्यू वो कॉन्सेंट्रेशन को काम पे रखना पड़ता है, जैसे कंट्रोलर वगैरह है। इसेंशियली इंटरमीडिएट वो लोग होते हैं जिनको काम के दौरान बहुत कम जो है दिमाग का इस्तेमाल करना या जो वो है उसमें काम में ध्यान लगाना पड़ता है। जनरली वो यही कैटेगरी जो काम आते हैं उनको जनरली आराम करते रहते हैं, बहुत कभी कभार कुछ काम आया नहीं आया, नॉर्मली आराम करते रहते हैं। और एक रूटीन जिनके पास काम है, थोड़ा ब्रेक मिल गया फिर काम है, वो कंटिन्यूस में आते हैं। और एस्कुलर कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको कि 8 घंटों में या पर्टिकुलर घंटों में बांधना आसान नहीं है, जिनकी ड्यूटी इस तरह की होती है कि उनको 24 घंटे काम के ऊपर नजर रखनी पड़ती है। ये लगभग 24 घंटे बिजी रहता है, बिजी मतलब काम के प्रति उनको 24 घंटे ध्यान रखना पड़ता है। इसमें सुपरवाइजर कैटेगरी लोग जनरली आते हैं। ये टोटल मैंने हल्का बोलो बताया, डिटेल में उसके आगे बताऊंगा, आगे नेक्स्ट स्लाइड बताऊंगा। आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने बताया था आपको कि हम जो काम करते हैं ड्यूटी ड्यूरिंग जो भी स्टार्ट होती है हमारी ड्यूटी, उसमें क्या क्या पीरियड इन्वॉल्व होता है। आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कौन कौन सी ड्यूटी पीरियड काउंट होता है उसमें बताता है, पीरियड ऑफ एक्शन, पीरियड ऑफ इनएक्शन, पीरियड ऑफ हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर चार्ज। एक्शन पीरियड वो हुआ कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, कोई अपने जैसे आप एसएनटी की आप बात कर रहे हो, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उसकी कोई बंदा है सिग्नल के लिए, सिग्नल ठीक करने गया, चढ़ा ऊपर, सिग्नल ठीक कर रहा है, वो एक्शन पीरियड है। सिग्नल ठीक करके आ गया, बैठा हुआ है, अभी कोई फेलियर नहीं है, कोई इधर बैठा हुआ है, तो वो इनएक्शन पीरियड हो गया। और एक होता है हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर, मतलब कई कैटेगरी में होता है कई में नहीं होता है। जैसे बुकिंग क्लर्क है, शिफ्ट ड्यूटी चल रही है जहाँ चार्ज और हैंड ओवर टेकिंग ओवर करना पड़ता है हर शिफ्ट ड्यूटी के, जैसे बुकिंग क्लर्क है, स्टेशन मास्टर है, ये लोग जो होते हैं वो चार्ज हैंड ओवर टेक ओवर करते हैं। जैसे उनका रिलीवर आएगा, एक तो पहले किसी को रिलीव करेंगे लोग, उससे चार्ज लेंगे, और जब अपनी ड्यूटी खत्म करके जाएंगे तो नेक्स्ट जो बंदा होगा उसको चार्ज देके जाएंगे, उसको चार्ज हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर कहते हैं। इसमें एचओआर का जो वर्ड यूज होता है वो पीएनसी टाइम बोलते हैं, प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री टाइम। तो यहाँ पे हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर है लेकिन ऑफिशियल नाम उसका होता है पीएनसी टाइम बोलते हैं उसको, हैंडिंग ओवर एंड सॉरी प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री टाइम। पीरियड ऑफ इंटरवल, पीरियड बिटवीन स्पेस ऑफ ड्यूटी ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय कैन लीव प्लेस। पीरियड ऑफ इंटरवल वो होता है जिसमें बीच में अगर ब्रेक हो गया तो कर्मचारी जो है अपनी ड्यूटी प्लेस छोड़कर जा सकता है। फुल नाइट, एचओआर की तरफ जो डेफिनेशन है उसमें फुल नाइट एक आता है, जो नाइट होती है रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, उसको हम फुल नाइट बोलते हैं। और नाइट ड्यूटी भी जो रात को 10 बजे से 6 बजे के बीच में काम की जाती है उसके दौरान उसको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। रोस्टर आता है एचओआर के अंदर कि रोस्टर क्या होता है, तो रोस्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच शोज द आवर्स दैट रेलवे सर्वेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन ड्यूटी एवरी डे डेली एज वेल एज वीकली रेस्ट ब्रेक बिटवीन स्पेल्स ऑफ ड्यूटी इन ए डे बिसाइड्स अदर पर्टिकुलर। तो रोस्टर जो एक डॉक्यूमेंट है वो एचओआर सेक्शन जो डिविजन में होता है वेलफेयर के अंदर, एचओआर एक पार्ट है, वो हर रेलवे कर्मचारी जो नॉन रजिस्टर्ड रेल कर्मचारी है उसकी ड्यूटी रोस्टर इश्यू करता है हर यूनिट में। उस रोस्टर ड्यूटी जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर रेलवे कर्मचारी जो होंगे वहां पे काम कर रहे होंगे वो किस टाइम पे वो काम करेंगे, किस टाइम पे उनको वीकली रेस्ट मिलेगा, कितने घंटे का वीकली रेस्ट मिलेगा, क्या टाइम से काम टाइम पे उसको ड्यूटी करनी है, किस टाइम से टाइम रेस्ट करना है उसको, क्या क्लासिफिकेशन है वो बंदे का, वो सारा डिटेल्स में आता है। उसकी रोस्टर ड्यूटी कितने हैं घंटे हैं, उसको वीक में कितने घंटे काम करना है वो एक आएगा, फिर कितने घंटे के बाद ज्यादा काम करने से छोटा टाइम मिलेगा, सारे डिटेल्स उसमें रोस्टर ड्यूटी के अंदर और रोस्टर जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपको मिलेगा। अगला जो शब्द है वो है लॉन्ग ऑन। लॉन्ग ऑन मीन्स पीरियड ऑफ ड्यूटी ओवर 8 आवर्स इन इंटेंसिव रोस्टर, 10 आवर्स इन कंटिन्यूस रोस्टर, 12 आवर्स इन ईआई रोस्टर।
जैसे मैंने इनिशियल बताया था कि कोई भी कर्मचारी को के ड्यूटी आवर्स को रेगुलेट करता है एचओए जो एक्ट है हमारा, यानी कि कोई आदमी किसी दिन ड्यूटी करेगा तो कितने घंटे करेगा, ये तो हमारा एक फिक्स हो गया कि ये कर्मचारी जो है, मान लिया हम एग्जाम्पल ले सी में, तो हम मानते हैं कि सी में बंदा 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है, तो डेली हम उससे 8 घंटे लेते हैं। तो ये लॉन्ग रन का मतलब ये होता है कि जो अलग अलग क्लासिफिकेशन में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, ईआईसी इंटेंसिव तीन क्लासिफिकेशन में जो काम कर रहे हैं, उनसे हम एक दिन में कितने घंटे मैक्सिमम काम लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा सी में आया सुबह 10 बजे आया, उसको हम काम कराया जा रहा है रात को 12 बजे तक, यानी हमारे पास आदमी नहीं है, हम अगले दिन सुबह तक काम कराए, ऐसा नहीं कर सकते आप। इस एक्ट के तहत आपके पास सीमा एक बांध दी आपको कि आप इतने घंटे से ज्यादा उससे काम नहीं ले सकते। तो जैसे इसमें बताया है इंटेंसिव, इंटेंसिव में हम एवरेज जनरली आपको बता दूं 6 घंटे हम डेली काम करता है बंदा, तो इंटेंसिव में जो बंदा 6 घंटे काम कर रहा है उससे हम मैक्सिमम 8 घंटे काम लेंगे, उसके बाद उसको ऑफ ड्यूटी कराना ही पड़ेगा, नहीं तो वो एचओआर का ब्रीच हो जाएगा। तो किसी भी इंटेंसिव कर्मचारी से हम 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते। कंटिन्यूस मतलब जो जनरली 8 घंटे काम करता है डेली, जो हम आते हैं 8 घंटे, तो 8 घंटे वाले से हम मैक्सिमम 10 घंटे काम करा सकते हैं, और ईआई रोस्टर वाला जो होता है वो 12 घंटे, यानी जो कर्मचारी ईआई रोस्टर में काम कर रहा है उससे हम मैक्सिमम 12 घंटे एट ए स्ट्रेच काम ले सकते हैं। मेरे ख्याल से लॉन्ग रन समझ में आ गया होगा कि कोई भी कर्मचारी जिस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में काम कर रहा है उस क्लासिफिकेशन के कर्मचारी से हम एट ए स्ट्रेच एक बार ऑन ड्यूटी होने के बाद कितने घंटे उसे काम करा सकते हैं। तो ये इंटेंसिव में 8 घंटा है, कंटिन्यूस में 10 घंटा, और ईआई में 12 घंटा है। इसको मैं इसलिए अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है लॉन्ग रन। इसके बाद इसका जस्ट उल्टा होता है शॉर्ट ऑफ। लॉन्ग रन और शॉर्ट ऑफ एचआर के दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, जो कोई भी रोस्टर ड्यूटी हम किसी को रोस्टर बनाने हैं हमको, तो हमको ये रोस्टर लॉन्ग रन और शॉर्ट ऑफ का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई किसी भी आदमी का हम जो ड्यूटी रोस्टर बना रहे हैं कि लॉन्ग रन से ज्यादा नहीं हो जाए और शॉर्ट ऑफ ना हो जाए। शॉर्ट ऑफ में बताया इन केस ऑफ इंटेंसिव वर्कर लेस देन 12 आवर्स इन ए रोस्टर ऑफ 6 आवर ड्यूटी, लेस देन 14 आवर्स इन ए मिक्स रोस्टर ऑफ 6 एंड 8 आवर्स ड्यूटी, लेस देन 10 आवर्स इन कंटिन्यूस वर्कर एंड लेस देन 8 आवर्स इन केस ऑफ ईआई वर्कर्स। एक तो मैंने बताया था आपका लॉन्ग ऑन, ये आपका होता है एक आदमी ऑन ड्यूटी हो गया है, ऑन ड्यूटी से लेके कितने घंटे काम करेगा। ये शॉर्ट ऑफ होता है कि आदमी ऑन ड्यूटी से ऑफ ड्यूटी किया, ऑफ ड्यूटी के बाद जब नेक्स्ट ड्यूटी उसकी स्टार्ट होगी, सपोज आप सुबह 10 बजे ऑन ड्यूटी हुए, आपकी 8 घंटे की नौकरी है, शाम को 6 बजे ऑफ ड्यूटी हो गया, 6 बजे ऑफ ड्यूटी होने के बाद जब नेक्स्ट ड्यूटी आपकी कितने घंटे बाद हम लगा सकती है, सरकार आपकी लगा सकती है, वो कहलाती है, उससे कम होता है तो शॉर्ट ऑफ होता है। यानी कि अगर मान लीजिए बंदा इंटेंसिव में काम कर रहा है, इंटेंसिव में एक आदमी ऑफ ड्यूटी करने के बाद उसको हम नेक्स्ट 12 घंटे बाद ही बुलाएंगे, यानी अगर शाम को अगर 6 बजे उसकी ड्यूटी ऑफ ड्यूटी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि किसी आदमी की जैसे 8 घंटे में बात कर रहे थे, सपोज उसकी 12 बजे ऑन ड्यूटी हुई, इंटेंसिव में हम बात कर रहे थे, इंटेंसिव में जनरली 6 घंटे आदमी काम करता है डेली, तो 6 बजे मतलब दोपहर को अगर 12 बजे ऑन ड्यूटी हुआ है, शाम को 6 बजे ऑफ ड्यूटी हो गया, तो शाम को 6 बजे से ऑफ ड्यूटी के बाद हम उसको 12 घंटे से पहले हम नहीं बुला सकते ड्यूटी पे। तो 12 घंटे कब होंगे, उस सुबह 6 बजे 12 घंटे होंगे, यानी शाम को किसी ने बंदे ने अगर 6 बजे ऑफ ड्यूटी किया है तो उसको हम अगले दिन सुबह 6 बजे से पहले हम उसको नहीं बुला सकते। या फिर अगर दोपहर को 12 बजे ऑफ ड्यूटी किया उसने, तो रात को 12 बजे से पहले उसको ऑफ ड्यूटी नहीं, उसको ड्यूटी पे नहीं बुलाएंगे, और हम बुलाएंगे तो उसको बोला जाएगा शॉर्ट ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली सी क्लासिफिकेशन है, जैसे मैंने बताया 10 बजे आया और 6 बजे गया है, तो 8 घंटे की नौकरी हो गई उसकी, तो कंटिन्यूस वर्कर से 10 घंटे बाद नहीं बुला के पहले नहीं बुला सकते, यानी शाम को 6 बजे ऑफ ड्यूटी किया है तो 6 और 6 12 यानी सुबह 4 बजे उससे पहले हम उसको नहीं बुला सकते। तो यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी कर्मचारी को ऑफ ड्यूटी करने के बाद जो मिनिमम रेस्ट देना है उसको जितना घंटे का, उसको एक प्रकार से हम बोल सकते हैं उससे कम होता है तो शॉर्ट ऑफ हो जाएगा। तो इंटेंसिव में अगर 12 घंटे के पहले बुलाया जाएगा तो शॉर्ट ऑफ हो जाएगा। सी वर्कर है क्लासिफिकेशन वाला बंदा जो 8 घंटे डेली कर रहा है, उसको हम 10 घंटे से पहले बुलाएंगे तो वो शॉर्ट ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली ईआई में जो आदमी काम कर रहा है ऑफ ड्यूटी करके गया है, रात को 12 बजे ईआई का बंदा काम करके गया है, तो सुबह 8 बजे से पहले हम उसको नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे तो उसका शॉर्ट ऑफ हो जाएगा। तो लॉन्ग रन जो होता है वो होता है एक आदमी एक बार ऑन ड्यूटी होने के बाद कंटिन्यू हम कितना उसे काम ले रहे हैं, और शॉर्ट ऑफ हो गया एक बार ऑफ ड्यूटी कर गया उसके बाद मिनिमम एक सर्टेन आवर्स का हमको रेस्ट देना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं दे पाते तो वो हमारा शॉर्ट ऑफ कहलाता है।
किसी को डाउट है लॉन्ग ऑन शॉर्ट ऑफ में? हाँ किसी को डाउट नहीं है? आ गया सर, समझ में आ गया। आ गया, मुझे थोड़ा लगा कि टेढ़ा है लेकिन समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब आता है इसमें HOER में, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी आदमी का क्लासिफिकेशन हम डिसाइड करते हैं उसका नेचर ऑफ वर्क के ऊपर, कि काम कैसा है, कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, वो डिसाइड होता है सस्टेन अटेंशन। उसके लिए इसमें एक वर्ड आता है HOER में, सस्टेन अटेंशन। वो क्या होता है? सस्टेन अटेंशन का मतलब वो पीरियड है, वो समय अंतराल है जिसमें कर्मचारी जो है अटेंशन दे रहा, काम कर रहा है, आइदर फिजिकली और मेंटली। कोई जरूरी नहीं कि फिजिकली काम करे, आप बैठे हुए हो और आपको जैसे कंट्रोलर में आप बैठे हो तो आपको दिमाग चलाना है कि मुझे कहाँ गाड़ी कहाँ से कहाँ क्रॉसिंग कराना है, कहाँ गाड़ी को हॉल्ट कराना है, किस गाड़ी को थ्रू कराना है। तो जरूरी नहीं कि आप फिजिकल बैठे हो लेकिन आप दिमाग में आपका काम चल रहा है, या फिर आप फिजिकली काम कर रहे हो। तो दोनों केस में जब आप काम कर रहे होते हो आइदर मेंटली और फिजिकली, वो पीरियड आपका सस्टेन अटेंशन कहलाता है। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज मेंटल एफर्ट्स व्हेन अ रेलवे सर्वेंट इज कॉल्ड अपॉन टू डिस्प्ले हाई लेवल्स ऑफ कंसंट्रेशन और फिजिकल एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट वेटिंग फॉर अराइवल ऑफ ट्रेन आफ्टर सेटिंग पॉइंट्स इज रिक्वायर्ड टू गिव सस्टेन अटेंशन। सिमिलरली एसएम इज रिक्वायर्ड टू पे सस्टेन अटेंशन फ्रॉम द टाइम ऑफ लाइन क्लियर टिल द अराइवल ऑफ द ट्रेन। इसका मतलब मैं बता दूं कि एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप सिग्नल का जैसे बात कर रहे हैं, आपने सिग्नल पिक करके आप बैठ गए, वेट कर रहे हो, वो हम उसको बोलेंगे सस्टेन अटेंशन, या फ्री बैठे हो उसको कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको लगेगा बंदा बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्टेशन मास्टर का मैं बता दूं, स्टेशन मास्टर में आपने आइडिया होगा आपको, स्टेशन मास्टर में बाजू से स्टेशन में गाड़ी से अगर गाड़ी आएगी, पहले तो गाड़ी का डिपार्चर मिलेगा बाजू वाले स्टेशन में, उससे पहले वो लाइन क्लियर मांगता है, यानी दूसरे स्टेशन से गाड़ी निकलेगी तो पिछला वाला स्टेशन लाइन क्लियर मांगेगा। तो लाइन क्लियर देने के बाद जनरल स्टेशन मास्टर बैठा रहता है, क्योंकि उसके काम होता नहीं, जब गाड़ी निकलती है पिछले स्टेशन से तब सिग्नल देने का, गेट बंद कराने का काफी काम रहता है, बिजी भी रहता है। और हो सकता है अगर सिग्नल देने में 1 मिनट लगता है या गेट नहीं है तो शायद आपको लगे बैठा हुआ। लेकिन सरकार का ये कहना है कि एक बार लाइन क्लियर दे दिया आपने, जो कि जनरली एवरेज हम 20 से 25 मिनट पहले लाइन क्लियर देते हैं, उसके बाद आपको लगेगा स्टेशन मास्टर बैठा हुआ, लेकिन सरकार ये बोलते हैं नहीं, उसके दिमाग में एक्टिविटी चल रही है तो उसको पूरा पीरियड आपको सस्टेन अटेंशन देना पड़ेगा। तो स्टेशन मास्टर कैटेगरी और पॉइंट्समैन दो कैटेगरी के लिए सरकार ने बोल दिया है कि आपको देखने की जरूरत नहीं है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या दिमाग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एक बार उसने लाइन क्लियर दे दिया है जो एवरेज 20-25 मिनट पहले देता है, तो वहां से उसको पूरा सस्टेन अटेंशन पूरा पीरियड काउंट होगा आपका, कि हम मानेंगे उसको till we deemed that he has displayed some mental or physical activity, ये मान लिया जाएगा। सिमिलरली पॉइंट्समैन भी एक बार सिग्नल, जैसे पिछले स्टेशन गाड़ी निकली उसने पॉइंट सेट कर दिया, पॉइंट सेट करने के बाद अब 10 मिनट बाद गाड़ी आएगी, वो खड़ा हुआ है वेट कर रहा है गाड़ी का, तो हम ये नहीं बोलेंगे वो वेट कर रहा है तो अभी तो कुछ काम तो कर ही नहीं रहा है। तो सरकार का ये कहना है कि एक बार पॉइंट सेट कर दिया पॉइंट्समैन ने, तो वो अटेंशन में है, मेंटल अटेंशन में है, वो उस पीरियड को आपको पूरा सस्टेन अटेंशन काउंट करना है। ये दो कैटेगरी के लिए सरकार ने स्पेसिफाई कर दिया है। तो जब जॉबलेस वगैरह होता है तो उसमें जब हम सस्टेन अटेंशन पीरियड निकालते हैं उसमें पूरा उसको क्रेडिट मिल जाता है। ये दो एग्जांपल दिए। स्प्लिट ड्यूटी क्या होती है? स्प्लिट ड्यूटी इट मींस ड्यूटी इन टू और मोर स्पेस विद इंटरवेनिंग breaks each of half or more hours necessitated by the exigency of work, and when the employee is free to leave his place of duty, interval for rest and meals shall not be break for the purpose of split duty. Split duty का मतलब ये होता है कि कई बार जो ड्यूटी होती है वो एक शिफ्ट सिंगल शिफ्ट में नहीं होती। नॉर्मली हम लोग सुबह आए 10 बजे कंटिन्यू 6 बजे तक काम किया, वो हो गया सिंगल ड्यूटी। कई बार ब्रेक होता है कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक काम किया आपने, 1-2 घंटे का ब्रेक हो गया, फिर आप वापिस 2 बजे आ रहे हैं और 6 बजे तक काम कर रहे हैं। जो 2 घंटे का बीच में ब्रेक हुआ उसको बोलते हैं स्प्लिट ड्यूटी, उसको बोलेंगे कि आपने एक शिफ्ट को 2 शिफ्ट में बांट दिया। तो अगर कोई भी एक शिफ्ट है उसको 2 या अधिक शिफ्ट में अगर स्प्लिट करते हैं तो उसको स्प्लिट ड्यूटी बोलते हैं। लेकिन जो ब्रेक होगा उसको हम ब्रेक तभी मानेंगे जब वो आधे घंटे या उससे अधिक का ब्रेक होगा। यानी कभी आपको अगर लंच ब्रेक दिया है आपको ऑफिशियली, मान लीजिए 15 मिनट का लंच ब्रेक है या टी ब्रेक है या 20 मिनट का है, इवन 25 मिनट का भी आपको लंच ब्रेक दिया, तो फिर वो आपके ड्यूटी आवर्स में काउंट होगा।
अगर 15 मिनट का लंच ब्रेक दिया है या 20 मिनट का भी दिया है, तो उसको ये माना जाएगा कि आप ड्यूटी आवर्स पे हैं और ड्यूटी आवर्स काउंट करेंगे। लेकिन आधे घंटे से ज्यादा का, आधा घंटा या ज्यादा का आपका ब्रेक दिया हुआ है, तो फिर वो ड्यूटी आवर्स में काउंट नहीं होगा। मतलब आपका, सपोज आपको 8 घंटे की नौकरी करनी है, तो 10 से 6 कंटिन्यू आप 8 घंटे का होगा, 8 घंटे होता है, लेकिन आपको आधा घंटा ब्रेक दिया जाता है, तो आपको 10 से 6 की जगह अगर मान लीजिए बीच में आपको 2 बजे ब्रेक दिया है, 1:30 बजे दिया है, तो वो पीरियड हम काउंट नहीं करेंगे, वो 10 से 6:30 की ड्यूटी हो जाएगी, आधा घंटा जुड़ जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपका 1:30 बजे से 20 मिनट का ब्रेक दिया है, तो फिर आपका कंटिन्यू ड्यूटी काउंट होकर आपका 10 से 6 की ड्यूटी होगी और 20 मिनट आपका उस ड्यूटी आवर्स में काउंट हो जाएगा। इसमें स्प्लिट ड्यूटी का ये प्रोविजन है कि आपको अगर ब्रेक देना है तो आपको आधे घंटे का से ज्यादा का होगा, तभी वो ब्रेक में काउंट होगा, और इस ब्रेक के अंदर कर्मचारी अपना प्लेस छोड़ के जा सकता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया आपको कि कोई भी कर्मचारी को जो नॉन रजिस्टर्ड कर्मचारी है उसको हम 4 क्लासिफिकेशन में बांटते हैं, इंटेंसिव, ईआई, कंटिन्यूस एंड एक्सक्लूडेड कैटेगरी। ये जो कैटेगरी के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी है उसमें बता दूं जो 3 कैटेगरी हमारी आती है, इंटेंसिव, ईआई एंड कंटिन्यूस, वो पावर वैसे जीएम के पास रहते हैं, लेकिन जीएम ने पावर डेलीगेट कर रहे हैं सीपीओ सबको। तो जो कंपिटेंट अथॉरिटी है जो क्लासिफिकेशन डिसाइड करने के लिए कि किस कर्मचारी को या किस डेजिग्नेशन के पोस्ट को किस क्लासिफिकेशन में रखना है, ये डिसाइड करते हैं सीपीओ है हर जोनल में। और जो एक्सक्लूडेड कैटेगरी है वो डिसाइड करती है रेलवे बोर्ड इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, यानी श्रम मंत्रालय की सहमति से जो रेलवे बोर्ड है वो डिसाइड करती है कि हमारी कौन कौन सी कैटेगरियां हैं जो कि एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आएगी। उस एक्सक्लूडेड कैटेगरी को छोड़ के बाकी जो 3 कैटेगरियां हैं हमारी, इंटेंसिव, ईआई और कंटिन्यूस, उसको हेडक्वार्टर में डिसाइड किया जाता। उसके लिए आपको शायद मालूम होगा कि कोई भी कर्मचारी का क्लासिफिकेशन डिसाइड करने के लिए फैक्चुअल जॉब एनालिसिस किया जाता है, जो लगातार 72 आवर्स जो एचओआर के 3 लोगों की टीम आ जाती है, अलोंग विथ उसमें उनका जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का इंस्पेक्टर भी साथ में रहता है उसमें, और वो लोग लगातार 72 घंटे जॉब एनालिसिस करते हैं। और जॉब एनालिसिस के दौरान जो मैंने बताया था आपको सस्टेनेशन अटेंशन जो पीरियड होता है वो उसके हिसाब से देखा जाता है कि कितने घंटे वो बंदा सस्टेन अटेंशन में रहा, यानी उसका पीरियड ऑफ एक्शन कितना रहा, पीरियड ऑफ इनएक्शन कितना रहा, उसका टोटल लगाया जाता है, और उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि जो कैटेगरी है जो पोस्ट है वो इंटेंसिव में रहेगी, यही में रहेगी या कंटिन्यूस में रहेगी। तो 72 आवर्स के बाद पूरा रिपोर्ट जाएगा हेडक्वार्टर में। और अगर जो एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन है उसको अगर चेंज आता है, कोई भी क्लासिफिकेशन चल रहा है इंटेंसिव, ईआई और कंटिन्यूस, वो अगर क्लासिफिकेशन में जो पोस्ट है उस पोस्ट में अगर ड्यू टू एनी रीजन काम वर्क नेचर ऑफ वर्क या काम बढ़ गया है या कम हो गया है, दोनों कंडीशन में चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन रिक्वायरमेंट है अगर उसकी, तो जॉब एनालिस्ट के द्वारा चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन आइदर एम्प्लॉय खुद लिखे, यूनियन के थ्रू जाए, या काम कम हो गया है तो एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि काम कम हो गया है तो वो जॉब एनालिस्ट करा के वहाँ पोस्ट कम करा सकती है, इसी से यही करा सकती है। दोनों मामलों में जो है उसकी रिपोर्ट हेडक्वार्टर को भेजी जाती है, वहां सीपीओ साहब उसको डिसीजन देते हैं कि चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन का अप्रूवल देते हैं। अब ये इश्यू आता है कि कोई भी जैसे हमने कोई जॉब एनालिस्ट किया, कोई सी से ईआई कर दिया, यानी डाउनग्रेड कर दिया जॉब क्लासिफिकेशन को, ऑब्वियसली पहले सी में कर्मचारी 8 घंटे काम कर रहा था, अभी ईआई कर देंगे वहां 12 घंटे काम करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कोई भी कर्मचारी उस चीज को पसंद नहीं करेगा। तो कोई भी हम काम करते हैं जैसे डीआर के अंदर भी किसी अथॉरिटी ने डीएनए एनआईपी दी, एनआईपी से कर्मचारी अगर एग्री नहीं करता है तो उस पर अपील का प्रोविजन है डीआर के अंदर, फिर एक रिवीजन का प्रोविजन, 2 चैनल दिए हैं। कैट के बाद हम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हर जगह 2 चैनल है। सिमिलरली यहाँ भी जब आप क्लासिफिकेशन किसी भी कर्मचारी का चेंज करते हो, कर्मचारी मतलब किसी भी कैटेगरी का पोस्ट का, तो उसके ऊपर भी उस कर्मचारी के लिए किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास, दोनों के पास जो है अपील का प्रोविजन है, और 2 चैनल है इसमें। पहला चैनल जाता है अपील अगेंस्ट द क्लासिफिकेशन लाइज टू आरएलसी, यानी रीजनल लेबर कमिश्नर, जो श्रम मंत्रालय के जो अधिकारी होते हैं जो उसमें पोस्ट है, रीजनल लेबर कमिश्नर पोस्ट है, वहां जो चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन किया है उसके अंदर विद इन 90 डेज जो रिजल्ट डिक्लेयर किया हुआ 90 डेज अपील की जा सकती है
उसके बाद मामला आरएलसी के पास जाता है, वो पूरा इसको एग्जामिन करने के बाद फिर डिसीजन देते हैं, और उस डिसीजन के बाद भी कोई भी पार्टी आइदर एडमिनिस्ट्रेशन और एम्प्लॉई, वो लोग उस डिसीजन के अगेंस्ट में दोबारा अपील की जाती है, वो अपील भी विद इन 90 डेज करनी पड़ती है, और वो जाती है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को अपना जो सेक्रेटरी है उनके पास जाएगी। यानी इसमें दो बार 90 डेज का प्रोविजन है, जैसे हमारे डीआर के अंदर अपील 90 डेज में करते हैं अपन, और फिर रिविजन 90 डेज में किया जाता है अपील के फाइनल होने के बाद। इसमें भी सेम वही चैनल है, तो ये आपकी अपील का प्रोविजन है, अगर जॉबलेस से आप एग्री नहीं करते हैं तो। अब आता है जो मैंने आपको बताया, क्लासिफिकेशन जो बताए थे चार क्लासिफिकेशन, उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में बात करेंगे। कि पहला आता है इंटेंसिव क्लासिफिकेशन। इंटेंसिव क्या है, इसमें बताया है कि नेचर ऑफ वर्क जो है स्ट्रेनुअस नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्विंग कंटिन्यूस मेंटल और फिजिकल अटेंशन विथ लिटिल और नो प्रॉपर नो पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन, मतलब बिल्कुल काफी थका देने वाला काम रहता है। इसमें आदमी को कंटिन्यूस मेंटल या फिजिकल अटेंशन रहेगा, और उस जो ड्यूटी आवर्स होते हैं उस दौरान उसको या तो बिल्कुल नहीं मिलेगा रेस्ट रिलैक्सेशन का टाइम, या बहुत थोड़ा मिलेगा। तो इस कैटेगरी में वह कर्मचारी जिसमें जिसका नेचर ऑफ वर्क बहुत ज्यादा ही स्ट्रेनुअस नेचर होता है, और जिसमें फिजिकल और मेंटल जो है अटेंशन काफी ज्यादा रहता है। इसमें जो पीरियड ऑफ इनएक्शन, जैसे मैंने आपको बताया इनएक्शन का मतलब जब आप फ्री बैठे हो काम नहीं है, वो अगर हम टोटल लगाएंगे तो डू नॉट एग्रीगेट 1 आवर और मोर इन शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स, यानी 8 घंटे की शिफ्ट में 1 घंटे से अधिक का उसको रेस्ट नहीं मिलेगा इसके अंदर, और 24 घंटे के मामले में 6 घंटे ज्यादा रेस्ट नहीं मिलेगा। और वीकली रोस्टर आवर्स इसमें बताया 42 घंटे होता है वीकली रोस्टर आवर्स, स्टेट्यूटरी लिमिट होती है 45 घंटे, और वीकली जो रेस्ट है वो 30 घंटे का होता है। अब मैं बता दूं सी और डी और ई क्या है। वीकली रोस्टर आवर्स जैसे मैंने बताया था कि एचओआर का मतलब होता है काम के घंटों को रेगुलेट करना, एक कर्मचारी डेली कितना काम करेगा, तो डेली हम बोलने में डेली बोलते हैं, एचओआर के तहत डेली नहीं होता है वीकली होता है, या मतलब 14 दिन का जो वीकली वीक होता है उसके हिसाब से आपको वीक में कितना काम करना है। तो जो इंटेंसिव का जो कर्मचारी होगा उसको डेली नहीं होता है वीकली, उसको 42 घंटे काम करना है मिनिमम, उसको बोलते हैं रोस्टर आवर्स। यानी उस यही कर्मचारी का जो रोस्टर आवर्स है वो है 42 आवर्स। उसके बाद आती है कि स्टेट्यूटरी लिमिट आएगी आपको हर क्लासिफिकेशन में। स्टेट्यूटरी लिमिट का जो मतलब होता है कि कर्मचारी को जो ओटी हम मिलने का उसको ओवर टाइम, अगर 42 घंटे से ज्यादा काम करेगा तो उसको ओवर टाइम के लिए वो हकदार हो जाएगा। वो 42 के लेकिन 42 से लेके अगर 45 घंटे, 3 घंटे के लिए उसको सिर्फ 1.5 गुना रेट मिलेगा जो उसका रेट होता है, डेटा रेट वो मिलेगा। और 45 घंटे बाद मैंने इंस्टीट्यूट आवर्स से ऊपर जब जब काम करेगा वो बंदा, तो उसके बाद उसको रेट उसका डबल हो जाएगा। स्टेट्यूट लिमिट का बस मतलब इतना ही होता है कि अप टू स्टेट्यूट लिमिट आदमी को 1.5 घंटा रेट से ओवर टाइम मिलेगा, और स्टेट्यूट के बाद वो डबल डबल रेट मिल जाता है उसको। और जो यही में जो काम कर रहे सॉरी इंटेंसिव में जो काम कर रहे हैं उनका जो रेस्ट होता है वीकली वो 30 घंटे का रेस्ट होगा। इसके बाद आता है एसेंशियली इंटरमिटेंट ईआई। नेचर ऑफ वर्क ये है प्रेजेंस एट ड्यूटी प्लेस इसेंशियल, मतलब कार्यस्थल पर उपस्थित रहना आवश्यक है इसके अंदर, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट वर्कर परफॉर्म्स और डिस्प्ले एनी फिजिकल एक्टिविटी और सस्टेन अटेंशन, मतलब जहाँ बहुत कम काम है आपको वहाँ ड्यूटी पर रहना उपस्थित आवश्यक है, बाकी काम आपका है भी और नहीं भी या बहुत कम काम है उसमें पीरियड ऑफ इनेक्शन। इसमें पीरियड ऑफ इनेक्शन बता दिया है कि 6 12 घंटे की ड्यूटी में 6 घंटे या उससे अधिक, 6 घंटे में आपको बता दो मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको कि 6 घंटे तो आपको मिनिमम रेस्ट मिलेगा मिलेगा ईए में। यानी ईए में ये हो सकता है कि 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, इवन 10 घंटे, इवन 11 घंटे, पता 11 घंटे तो आराम ही कर रहा है, सिर्फ उसके पास 1 घंटे का काम है, 10 मिनट का काम है, आधा घंटे का, पूरे 12 घंटे। तो ये वो लोग होते हैं जहाँ उनके पास इनेक्शन पीरियड बहुत ज्यादा होता है, तो वो लोग ईआई में आते हैं। वीकली रोस्टर आवर्स, इसमें रोस्टर आवर्स थोड़ा सा अलग अलग होगा आपका, ईआई और सी में क्लियर है, काफी सिंपल है, इसमें थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेट हो रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा।
स्टाफ हु आर पोस्टेड ऑन रोड साइड स्टेशन एंड प्रोवाइडेड विथ हाउसिंग फैसिलिटी विद इन 0.5 किलोमीटर। यानी कि जो कर्मचारी रोड साइड स्टेशन में पोस्टेड हैं और उनको आधे किलोमीटर के अंदर रेलवे ने मकान फैसिलिटी दिए हुए हैं, तो उनको हम 72 आवर्स काम करेंगे वीक में, नहीं तो 60 घंटे काम करेंगे। इसके अलावा जो स्टाफ हुआ पोस्टेड अदर देन रोड साइड स्टेशन, उनके लिए 60 घंटा है। अदर देन रोड साइड स्टेशन वो होते हैं जो बड़े स्टेशन है, मासली यार्ड है, जहाँ गाड़ियाँ टर्मिनेट होती है। जो अहमदाबाद रीजन की मैं अगर बात करूँ तो जितने भी बड़े स्टेशन है आपके, अहमदाबाद, साबरमती, मेहसाना, पालनपुर, गांधीनाम, धांगरा, ये सब जो बड़े स्टेशन है आपके, ये सब अदर देन रोड साइड कहलाते हैं। यहाँ जो भी कर्मचारी ये में है वो 60 घंटे काम करेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर ही हैज बीन एलोटेड रेलवे क्वार्टर विद इन 0.5 किलोमीटर और नॉट। यानी उस पर लागू नहीं होगी कंडीशन ये में होने के बावजूद कि इसको क्वार्टर दिया है कि नहीं दिया है, कि आधे किलोमीटर में क्वार्टर दिया है नहीं दिया। कोई भी कर्मचारी जो अदर देन रोड साइड स्टेशन में पोस्टेड है वो उसको हम 60 घंटे ही लेंगे ड्यूटी आवर्स, उसका फिक्स हो जाएगा। और रोड साइड में भी अगर उसको क्वार्टर नहीं दिया हुआ आधा किलोमीटर के अंदर, तो भी वो 60 घंटे काम करेगा। 72 आवर्स सिर्फ वो लोग काम करेंगे जो कि रोड साइड स्टेशन में पोस्टेड हैं और जिनको आधे किलोमीटर के अंदर मकान दिया गया है, सिर्फ उनसे हम 72 घंटे काम लेंगे। बाकी सभी से, सभी में कौन आ गया, एक तो जो रोड साइड में है जिनका क्वार्टर नहीं दिया आधे किलोमीटर के अंदर या दिया ही नहीं है, और जो अदर देन रोड साइड में है बड़े स्टेशन पे, वो सबसे हम 60 आवर्स लेंगे। डी है अपना स्टेट्यूटरी लिमिट जो है, ईआई के लिए स्टेट्यूटरी लिमिट जो है वो 75 घंटा है। यानी कि अगर 60 घंटे वो काम कर रहा है, रोस्टर आवर्स जो अदर देन रोड साइड स्टेशन पोस्टेड है, या उसका ड्यूटी आवर्स 60 आवर्स वाला है, तो अप टू 15 आवर्स 15 घंटे तक उसका जो रेट होगा, उसका आवर्ली रेट होगा वो 1.5 गुना होगा। 75 से भी ज्यादा काम करता है तो 75 के बाद इतना घंटे काम किया उसके लिए इसको डबल रेट में ओवर टाइम मिलेगा। उसमें रेस्ट बताया 24 घंटे इंक्लूडिंग नाइट इन बेड। नाइट इन बेड का मतलब होता है कि उसको 10 से 6 का नाइट मिलना चाहिए, रेस्ट घर पे मिलना चाहिए उसको। यानी कि ऐसा नहीं कि रात को 12 बजे आपने ऑफ ड्यूटी किया और अगले दिन रात को 12 बजे बुला लिया, 24 घंटे हो जाता आपका, लेकिन उसको हम नहीं मानेंगे क्योंकि रात को 12 बजे इसकी नाइट नहीं होती। अगर उसको ऑफ ड्यूटी करना भी है तो हमको एटलीस्ट रात को 10 बजे ऑफ ड्यूटी करना पड़ेगा ताकि अगले दिन रात को 10 बजे आ जाए। तो ये 10 से 6 ये वो नाइट इन बेड उसकी होनी चाहिए, तो हमको उस हिसाब से उसका रेस्ट देना पड़ेगा कि उसका 10 से 6 वो घर पे नाइट इन बेड रेस्ट कर सके। उसके बाद आ गया हमारा कंटिन्यूस, आया कंटिन्यूस क्लासिफिकेशन। इसमें नेचर ऑफ वर्क बताया, नॉट सो बिजी लाइक इंटेंसिव वर्कर एंड नॉट सो रिलैक्स लाइक ईआई वर्कर, एवरेज वर्क। मतलब इसमें इतना भी आदमी बिजी नहीं रहता जितना इंटेंसिव में रहता है, ना ही इतना फ्री रहता है जितना ईआई के लिए रहता है। एवरेज वर्क होता है वो लोग कंटिन्यूस में आते हैं। पीरियड ऑफ इनएक्शन नॉट मोर देन 2 आवर्स ड्यूरिंग द 8 आवर्स, मतलब 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी में 2 घंटे से ज्यादा वो पीरियड फ्री नहीं रह पाते। वीकली रोस्टर आवर्स की बात करें तो 48 घंटे इनको काम करना होता है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए 40 घंटा है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में काम करते हैं। स्टेट्यूटरी लिमिट इनकी 54 घंटा है, यानी कि 48 घंटे से लेकर 54 घंटे तक इनको 1.5 गुना रेट मिलेगा। 54 घंटे के ऊपर काम करेंगे तो इनको डबल रेट मिलेगा। वीकली आवर्स इनको भी 30 घंटे का रेस्ट मिलेगा एक वीक के अंदर। एक बात मैं बताना रहेगी आपको शायद अब कि एक जो वीकली हम रेस्ट की बात कर रहे हैं, वीक में हमको इतने घंटे काम करना है, तो वीक कहाँ से पकड़ना है ये शायद बताया नहीं, तो मैं बता दूं जो एचओआर कहता है जो वीक स्टार्ट होता है वो होता है संडे से स्टार्ट होता है। यानी जो भी हम वीक की बात कर रहे हैं कितने घंटे काम करना है, वो वीक होगा आपका संडे रात को 12 बजे, यानी सैटरडे की रात को 12 बजे संडे स्टार्ट होता है 00 AM संडे से, लेकिन सैटरडे की रात को 24 बजे तक या 12 कह लो रात के। तो जो वीक होता है वो संडे टू सैटरडे होता है। एक्सक्लूडेड कैटेगरी जो बता दी है कि एक्सक्लूडेड इज द कैटेगरी फॉर विच नो प्रोविजन हैव बीन मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पीरियड ऑफ रेस्ट
एंड फैमिली वाला है, मतलब इसमें जो कर्मचारी काम करते हैं इनके लिए कोई नियम नहीं बनाए हुए हैं कि इनके लिए वीकली रेस्ट होना चाहिए, कब मिलेगा, पेमेंट ओवर टाइम के लिए कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। इसमें जो कैटेगरी आती है वो है ऑल सुपरवाइजर, स्टेनोग्राफर, सीए, पब्लिक पीए, साइबर ऑपरेटर, मैट्रन, असिस्टेंट इंचार्ज, मिडवाइफ, लेडी हेल्थ विजिटर, स्टाफ नर्स वगैरह आते हैं इसमें, प्रोजेक्शनिस्ट आते हैं, रेलवे स्कूल टीचर आते हैं, इंस्ट्रक्टर्स वर्किंग इन ट्रेनिंग सेंटर, ये सब लोग आते हैं। इन पे एचओआर के जो प्रोविजंस हैं, कितने घंटे का काम लेना है इनसे या वीकली रेस्ट देना है या इनको ओवरटाइम देने का, वो नियम इन पे लागू नहीं होते। ये एक चार्ट है जिसमें कि किससे कितने घंटे का काम लेना चाहिए। पहला इंटेंसिव है, मैं इस माउस से दिखाता हूँ, ये हमारा इंटेंसिव है और इसका रोस्टर आर ओब्लिक एच, मतलब रोस्टर आवर्स का इंटेंसिव में वीकली जो होता है 72 आवर्स है। पीएनसी मतलब हैंडिंग और टेकिंग और में 3 घंटे होता है, डेली का आधा घंटा यानी 6 दिन का 3 घंटा। स्टेट्यूटरी आवर्स 42 45 घंटा है, यानी कि 45 माइनस 42 3 घंटे के लिए डेटा रेट मिलेगा, 45 के ऊपर डबल रेट में ओटा मिलेगा। इनको रेस्ट 30 घंटे का देना है। ये जो सबसे ये लास्ट में है एवरेजिंग पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एवरेजिंग पीरियड होता है जब ओवरटाइम के लिए हमको एवरेजिंग पीरियड देना है कि कोई भी कर्मचारी जब काम करेगा तो ओवरटाइम के लिए एवरेजिंग पीरियड का इम्पोर्टेंस रहता है कि इस एवरेजिंग पीरियड मतलब इस हम जब किसी का ओवरटाइम देंगे तो हम ये नहीं कि आज उसका 8 घंटा करना था उसने आज 10 घंटे कर दिया था, आप उसको 2 घंटे ओटी दोगे। ओटी उसका जब बनेगा जब उसकी एवरेजिंग पीरियड के अंदर जो रोस्टर आवर्स हैं उसके उस रोस्टर आवर्स से ज्यादा काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इंटेंसिव की बात करूं तो एवरेजिंग इंटेंसिव में 14 डेज है और सी में भी 14 डेज है, यानी इंटेंसिव का कर्मचारी और कंटिन्यूस का कर्मचारी जब 14 दिन काम करेगा तो 14 दिन में जो उसका रोस्टर आवर्स होगा उसके बियॉन्ड अगर वो जाता है तभी उसको ओटी मिलेगा, 1 दिन से नहीं होगा इसमें। तो इंटेंसिव में जो हमारे रोस्टर आवर्स है 42, यानी 14 दिन में इसके होंगे 84, उसको 84 आवर्स के बाद जो काम करेगा उसका डेटा मिलेगा अप टू 90, यानी 45 से डबल करें 90, 90 से 84 और 90 के बीच 6 आवर्स, यानी फर्स्ट 6 आवर्स जो होगा उसका डेटा होगा 90 के बियॉन्ड काम करता है तो उसको डबल रेट मिलेगा। सिमिलरली कंटिन्यूस में भी जो है 108 है 82 आवर्स और रोस्टर आवर्स जो होंगे इसके 96 होंगे, 48 प्लस 48 96 आवर्स होंगे, तो 96 के बियॉन्ड काम करेगा तो अप टू 108 यानी 12 घंटे का उसको डेटा रेट मिलेगा। और अगर इसमें पीएनसी काउंट हो जाता है कई बार अगर मास्टर वाले कैटेगरी में तो 6 3 और 3 6 घंटे और जुड़ते हैं 96 प्लस 6 यानी 102 घंटा। तो 102 घंटा मतलब 108 से माइनस करेंगे जिसका भी जो रोस्टर आवर्स है उतनी देर के लिए इसको 1.5 गुना रेट मिलेगा और 108 के ऊपर जब जाएगा बंदा उतना फिर डबल रेट मिलेगा। तो इंटेंसिव और कंटिन्यूस का जो एवरेजिंग पीरियड है वो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, वो 2 वीक का होता है। ईए का जो एवरेजिंग पीरियड होता है वो 1 वीक है, यानी ये इनका डे हर वीक के बीच में ओटी डिसाइड हो जाएगा कि संडे टू सैटरडे 7 दिन में उसको आइदर 60 आवर्स करना था या 72 करना था, वो करने के बाद बियॉन्ड जाता है तो उसको ओटी 7 दिन में फाइनल हो जाएगा, जबकि इंटेंसिव सी के लिए 14 दिन के बाद डिसाइड होगा कि उसको कितने घंटे ओटी में। एस्कुलेटर के लिए कोई कंडीशन नहीं है रोस्टर आवर्स वगैरह, हाँ इसको एक ह्यूमिनिटी ग्राउंड में बताया हुआ है कि 24 या 48 घंटे का 15 दिन में रेस्ट दिया जा सकता है। ये फॉर्मूला है ओवर टाइम का निकालने का। पीरियोडिकल रेस्ट एक आता है, रेलवे सर्वेंट हु बिलोंग्स टू इंटेंसिव कंटिन्यूअस कैटेगरी शेल बी ग्रांटेड एवरी वीक कमेंसिंग ऑन ए संडे रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन 30 कंसेक्यूटिव आवर्स एंड हुज एम्प्लॉयमेंट इन ईआई शैल बी ग्रांटेड रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन 24 आवर्स। इसमें बताया हुआ है कि जो रेल कर्मचारी जो इंटेंसिव और कंटिन्यूस कैटेगरी में काम करता है उसको संडे से स्टार्ट होने के बाद 30 घंटे का रेस्ट उसको देगा मिला जाएगा। ईआई के लिए 24 घंटे का मैं आपको अभी बता चुका हूँ। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है कंपेंसेटरी पीरियड ऑफ रेस्ट, नो रेलवे सर्वेंट इन रेस्पेक्ट टू होम इन एक्सेप्शन हैज बीन मेड अंडर रूल 9 शैल बी रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर मोर देन 14 डेज विदाउट ए पीरियड ऑफ रेस्ट एंड शैल बी प्रोवाइडेड विद कंपेंसेटरी रेस्ट विद इन दिस पीरियड। इसका मतलब है कि कोई भी कर्मचारी है उसको हमको वीकली रेस्ट देना है जैसे मैंने बताया गया, लेकिन
वजह से नहीं दे पाया, तो एटलीस्ट उसको 14 दिन में एक रेस्ट देना है, और अगर 14 उसके बाद और एक कंपेंसेटरी रेस्ट भी देना है, जो वीकली रेस्ट ना दे पाए वो छूट गया उसका भी हमको वीकली रेस्ट देना है, और 14 दिन में एक रेस्ट देने तो है ही है उसको, ये एक बताया गया है। रनिंग का मैं आपको बता नहीं रहा, रनिंग की आपको जरूरत है नहीं, इसलिए मैं उसको बता नहीं रहा। एचओआर पे आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, तो डाउट एचओआर आगे चलें। पर इसमें जो सुपरवाइजर है उसका तो रेस्ट डिफरेंट 48 और 24 लिखा है, देख मींस 24 आवर्स का वीकली, मतलब 14 दिन में 24 घंटे, महीने में 48 घंटा। ओके, ये भी मतलब अंडर एचओआर का प्रोविजन नहीं है, आप चाहे तो दें नहीं दें, मतलब यूनिटी ग्राउंड पे ऑफिशियल मैंडेटरी नहीं है। ओके सर, एचओआर का जनरली एक आध क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर पूछते हैं पहले डिस्क्रिप्टिव जब आता था उसमें तो जनरली आता ही था एचओआर का, और मेरा मानना है कि जब रजिस्टर्ड में जाते हैं तो एचओआर के प्रोविजंस आपको मालूम होने चाहिए। तो ये एचओआर के प्रोविजंस थे, अगर आपको कोई डाउट नहीं हो तो मैं आगे बढ़ूँ सेटलमेंट बेनिफिट्स के ऊपर, तो डाउट नहीं है ठीक है सर। हाँ बोलिए। एसक्यूएडी में जैसे नॉर्मल चल रहा है तो सुपरवाइजर ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी का कोई टाइम? सुपरवाइजर का ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी होता नहीं ना उसका, तो वो अगर ऑफिस आवर्स जो होंगे उस टाइम पे जाना है उसको। यानी ऑफिस में किसी भी टाइम पे आ जा सकता है, कोई इस टाइम नहीं है? हाँ मैनेज करना है उसको काम। एचओआर देखिए, एचओआर का रूल बता रहा हूँ, बाकी आपके ऑफिस के आपके बॉस ने बनाया कि 10 बजे नॉर्मली हम 10 से 6 हम जाते हैं ऑफिस, वो अलग है, लेकिन एचओआर की तरह कोई आपको एचओआर सेक्शन से कभी भी सुपरवाइजर के ड्यूटी रोस्टर नहीं मिलेगा आपको। ये मैंने आपको एचओआर के प्रोविजन बताए, रेलवे के रूल नहीं बताया मैं, एचओआर के प्रोविजन बताया, दोनों में अंतर है। आपके अगर ऑफिस जैसे हमारे अभी डीआरएम ऑफिस खुलता है सुबह 10 बजे 9:30 बजे खुलता है, 9:30 बजे आपके ऑफिसर भी आते हैं हम भी आते हैं, हमारे पर एचओआर लागू नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पर लागू नहीं होता तो हम तो आएंगे नहीं ऑफिस, ऑफिस तो टाइम है आने आना ही हो तो, लेकिन एचओआर के प्रोविजन के तहत आपको टाइमिंग वो फिक्स नहीं है, आपको आना नहीं आना फिक्स नहीं, एचओआर के प्रोविजन की बात कर रहा हूँ, दोनों को आपस में कन्फ्यूज मत हो। एचओआर के तहत सुपरवाइजर स्टाफ को के लिए ड्यूटी रोस्टर बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है ना सर? बोलो। हाँ सर, जैसे एचओआर के अकॉर्डिंग आपने कहा कि सुपरवाइजर का कोई फिक्स नहीं है, तो अगर सपोज कि हमने ऑफिशियली किसी का रेस्ट संडे को फिक्स कर रखा है, हाँ तो रेस्ट ले रहे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो फिर क्या अगले वीक में क्या वो सैटरडे को ले सकता है? क्या फिक्स तो है इस बार, जैसे संडे को लिया उसने रेस्ट, हाँ, और किसी कारण से अगली बार उसने सैटरडे को ले लिया, तो कोई गलत है या सही है? एक वीक में 2 बार तो नहीं ले पाओगे ना? नहीं एक वीक में नहीं सर, हाँ नेक्स्ट वीक, मतलब 15 दिन बाद 14-13 दिन बाद। यस देखिए एचओआर के हिसाब से तो मैंने बताया ना, आप कभी भी आप मैनेज कर सकते हैं, एचओआर का कोई दिक्कत नहीं, आप मैनेज कर रहे हो, अगर ओटी नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, वीक में एक लेस भी लोग ले ही रहे, लेकिन एचओआर के लिए बताया नहीं है कि आपको लेना है कि नहीं, आप फ्री हो, आपको जो करना आपको दिए, आप समझे नहीं मेरी बात। एचओआर का मतलब समझिए कि ये एचओआर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बाउंड है कि आपके पास जो एम्प्लॉय है आपको उसको 7 दिन में एक लेस देना है, मतलब देना है, ठीक है ना, आप अपने ऊपर मतलब मेरे को क्या करना है वो नहीं, एम्प्लॉय ये जो है ये जो एप्लीकेशंस हैं जो रूल्स हैं वो एम्प्लॉयर के लिए बने हुए हैं कि आपके जो बंदे हैं उसको आपको इतने घंटे का रेस्ट देना है, लॉन्ग ऑन इतना घंटा रखना है, शॉर्ट ऑफ इतना रखना है, इतने घंटे का ओटी देना है, जहाँ सुपरवाइजर की बात है वहाँ एचओआर बोलता है आपको जो करना है करो, हमारे मतलब नहीं, हमारे जैसे कोई दिक्कत नहीं, एचओआर ही बोल रहा है, उसके लिए एम्प्लॉयर के ऊपर यानी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं सुपरवाइजर है तो आपको एक वीक में रेस्ट देना है कि नहीं देना, आपको देना तो नहीं देना मतलब वो ऐसा कुछ आपका कोई एचओआर ब्रीच नहीं होता, बस समझे नहीं समझे। फॉर एग्जाम्पल एचओआर कोई भी एक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए जैसे मैंने अभी लेबर कमिश्नर बताया था आपको आरएससी, तो जो लेबर कमिश्नर के जो ऑफिसर्स होते हैं जिसमें एलईओ होता है, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, आरएलसी सीएससी वगैरह होते हैं लेबर मिनिस्ट्री, ये लोग क्या करते हैं ये रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं, जैसे इनकम टैक्स वाले इनकम चेक करते रहते हैं, कोई आदमी पैसा छुपा तो नहीं रहा सरकार से, है ना, वो रेड मारते हैं। सिमिलरली जो लेबर कमिश्नर के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका ड्यूटी होती है कि जो सरकार ने वेरियस एक्ट्स बनाए हुए हैं वो एक्ट को फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन्हीं एक्ट में अपना एचओआर भी एक एक्ट है,
जब एचओआर ये लोग जो लेबर मिनिस्ट्री के लोग जो हमारे स्टेब्लिशमेंट में इंस्पेक्शन करेंगे, तो मैं अभी और भी दूसरे एक्ट बताऊंगा लास्ट में, जैसे हमारे डब्ल्यूसी एक्ट भी आता है अभी आएगा अभी, तो वो सारे एक्ट जिसमें इंक्लूडिंग एचओआर एक्ट में देखेंगे कि एचओआर एक्ट का ब्रीच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने होता है हमारे यहाँ बता दू कई जगह रेस्ट, महीनों रेस्ट नहीं मिलता, सालों रेस्ट नहीं मिलता, वो एचओआर का ब्रीच हुआ तो वो उसमें हमसे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। तो एचओआर का प्रोविजन के हिसाब से हमको करना है, लेकिन जहाँ सुपरवाइजर की बात आ रही है वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा सुपरवाइजर को आपने रेस्ट क्यों दिया, वो उसमें जब रूल नहीं आया तो हम फ्री है, सुपरवाइजर को हम हमारे हिसाब से डील कर सकते हैं उसमें। ये है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ये एक्ट को फॉलो करना जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि सुपरवाइजर को आपको कैसे डील करना है, वो है बात उसमें कि एक्ट के अंदर सुपरवाइजर को फ्री छोड़ रखा है, आप उसको कितना स्क्रीन शेयर, अभी स्क्रीन शेयर दिख रहा होगा सबको, तो ये हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005। ये रूल क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है, एग्जाम में हम पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए, इवन एग्जाम के बाद भी, एग्जाम के अलावा भी इसकी क्या जरूरत है जानने की, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि एक प्रकार से जैसे हम रेलवे में काम करते हैं, तो रेलवे बोर्ड या रेलवे या मिनिस्टर रेलवे एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई वाला इश्यू रहता है। जैसे कोई भी इंडस्ट्री में हम काम करते हैं तो हर इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री का मालिक होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होंगे, तो एज ए जनरल हर इंसान, आप भी जैसे घर में अपने कोई शॉप खोली होगी, वहां पे काम कर रहा होगा, घर में आपके कोई काम कर रहा होगा, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में हमेशा एम्प्लॉयर चाहेगा कि मेरे एम्प्लॉय से मैं खूब काम करूँ, 4 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे वो काम करता ही रहे, बेनिफिट ना दूं। जनरली आदमी सोचता है कि मैक्सिमम काम दूं और उसको कम से कम मुझे बेनिफिट देना पड़े, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कि एम्प्लॉय का ज्यादा शोषण ना हो, उसको हम ज्यादा एक्सप्लॉइट ना करें, सरकार ने एक नियम बनाया है जिसका नाम है रेलवे के लिए खासतौर से, ये जो नियम है रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005। इससे पहले जो नाम था एचओआर जो है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, मतलब जो एम्प्लॉय है हमारे रेलवे में काम करते हैं उसके आवर्स ऑफ वर्क को कैसे रेगुलेट किया जाए कि वो कैसे हर दिन कितने घंटे वो काम करेगा, कितने घंटे काम करने के बाद उसको रेस्ट कितना घंटा मिलना चाहिए, कितने दिनों के बाद रेस्ट मिलना चाहिए, जैसे हम 7 दिन में बोलते हैं 7 दिन में एटलीस्ट एक रेस्ट होना चाहिए, तो किस तरह कितने दिनों में एक रेस्ट होना चाहिए और कितने घंटे का रेस्ट होना चाहिए, कितने घंटे वो डेली काम करें, काम करने के बाद अगली ड्यूटी जब शिफ्ट उसकी स्टार्ट हो तो वो कम से कम कितने घंटे बाद हो, ये नहीं कि अभी आपने ऑफ ड्यूटी किया सुबह से सुबह 10 बजे आए, आप शाम को 6 बजे आए, फिर आपको 2 घंटे बाद फिर बुला लिया आपको, ऐसा नहीं। तो कितने घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, एक ड्यूटी ऑफ करने के बाद नेक्स्ट ड्यूटी दोबारा आपको कितने टाइम के बाद बुलाना है, और मान लीजिए शॉर्टेज है स्टाफ की और आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़े तो एक्स्ट्रा काम करने के बदले आपको ओवर टाइम देना चाहिए, तो ये सब नियम बनाए गए हैं ताकि एम्प्लॉय का एक्सप्लोटेशन ना हो, उसी के लिए ये नियम हम पढ़ रहे हैं। बीइंग सुपरवाइजर, आप सब लोग सुपरवाइजर और गजिस्ट्रेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये रूल्स जनरली गजिस्ट्रेट में जाने के बाद एज ए ऑफिसर की पोस्ट में आपके साथ नीचे एम्प्लॉय काम करेंगे तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या रूल है, हम पढ़ क्यों रहे हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि ये रूल क्या है, और हाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि इस जो एक्ट है उसका ऑब्जेक्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्ट इसमें भी लिखा हुआ है, टू रेगुलेट द आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक कर्मचारी से कितने घंटे हमको काम लेना है डेली के हिसाब से, टू रेगुलेट द पीरियड ऑफ रेस्ट, कितने दिनों बाद रेस्ट हो और कितने घंटे का रेस्ट हो, और उसके बाद है टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ ओवर टाइम फॉर एक्स्ट्रा आवर्स परफॉर्म बियॉन्ड आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि कोई आदमी और कर्मचारी एक्स्ट्रा जितना उसका फिक्स किया हुआ है कि इतना रोस्टेड ड्यूटी करना है और उसके बाद एक्स्ट्रा काम कर रहा है वो, तो उसको ओवर टाइम देने का भी इस एक्ट में दिया गया। तो कुछ बोल रहा है, ये एम्स एंड ऑब्जेक्ट है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या एचएवर क्या चीज है। अब हम नेक्स्ट
पहले ये एक स्लाइड रह गया था, पहले बता दूं कि 2005 में ये आया था और 2005 से लागू हुआ, ठीक है। तो आपको बता चुका हूँ एनसन अपडेट्स आ गए। अब ये आएगा कि ये एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, ये जो एक्ट है HOR या नया जो रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो एक्ट 2005 है, किस किस पर लागू होता है, किस रेलवे कर्मचारी पर लागू होता है, उसके लिए बताया गया है कि ये सभी नॉन रजिस्टर्ड रेलवे एम्प्लॉय पे लागू होता है, एक्सेप्ट उनको छोड़ के। पहला है आरपीएफ स्टाफ पे लागू नहीं होता है। दूसरा, स्टाफ गवर्न अंडर फैक्ट्री एक्ट, इंडियन शिपिंग कॉर्पोरेशन एक्ट एंड माइनिंग एक्ट। जो स्टाफ है जो इन एक्ट के तहत गवर्न है उन पे लागू नहीं होता है, फैक्ट्री एक्ट, इंडियन शिपिंग कॉर्पोरेशन एक्ट एंड माइनिंग एक्ट। इसके बाद कैजुअल लेबर गवर्न अंडर, जो कैजुअल लेबर है उन पे लागू नहीं होता है, इन तीन लोगों पे लागू नहीं होता है। इसके अलावा जितने भी नॉन रजिस्टर्ड एम्प्लॉई है सब पे लागू होता है ये। अब अगला ये आता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टाफ की। इस HOR के तहत जैसे मैंने बताया गया कि सारे के सारे ग्रुप सी जो भी नॉन रजिस्टर्ड एम्प्लॉय हैं वो इन पे लागू होता है। तो इस एक्ट के तहत जितने भी नॉन रजिस्टर्ड स्टाफ है उनको चार भागों में डिवाइड किया है। जैसे हमारे यहाँ आदमी लोगों में अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार धर्म में माने जाते हैं, ऐसे रेलवे कर्मचारी को उनके काम के आधार पर, वो कितना काम करते हैं, काम का उनका नेचर ऑफ वर्क और कितना वो ज्यादा मेहनत करते हैं, उसके आधार पर, उनके काम के आधार पर, नेचर वर्क के आधार पर पूरे नॉन रजिस्टर्ड सभी कर्मचारियों को चार भागों में बांटा गया है। पहला है इंटेंसिव, दूसरा इसेंशियली इंटरमिटेंट EI, तीसरा कंटिन्यूस और चौथा है एक्सक्लूडेड। डिटेल हम बाद में बताएंगे, हल्का सा मैं ब्रीफ बता दूं आपको। इंटेंसिव में वो लोग होते हैं जो उनको पास काम बहुत ज्यादा रहता है, कंटिन्यू वो कॉन्सेंट्रेशन को काम पे रखना पड़ता है, जैसे कंट्रोलर वगैरह है। इसेंशियली इंटरमीडिएट वो लोग होते हैं जिनको काम के दौरान बहुत कम जो है दिमाग का इस्तेमाल करना या जो वो है उसमें काम में ध्यान लगाना पड़ता है। जनरली वो यही कैटेगरी जो काम आते हैं उनको जनरली आराम करते रहते हैं, बहुत कभी कभार कुछ काम आया नहीं आया, नॉर्मली आराम करते रहते हैं। और एक रूटीन जिनके पास काम है, थोड़ा ब्रेक मिल गया फिर काम है, वो कंटिन्यूस में आते हैं। और एस्कुलर कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको कि 8 घंटों में या पर्टिकुलर घंटों में बांधना आसान नहीं है, जिनकी ड्यूटी इस तरह की होती है कि इनको 24 घंटे काम के ऊपर नजर रखनी पड़ती है। ये लगभग 24 घंटे बिजी रहता है, बिजी मतलब काम के प्रति उनको 24 घंटे ध्यान रखना पड़ता है। इसमें सुपरवाइजर कैटेगरी लोग जनरली आते हैं। ये टोटल मैंने हल्का बोलकर बताया, डिटेल में उसके आगे बताऊंगा, आगे नेक्स्ट स्लाइड बताऊंगा। आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने बताया था आपको कि हम जो काम करते हैं ड्यूटी ड्यूरिंग जो भी स्टार्ट होती है हमारी ड्यूटी, उसमें क्या क्या पीरियड इन्वॉल्व होता है, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कौन कौन सी ड्यूटी पीरियड काउंट होता है, उसमें बताता है पीरियड ऑफ एक्शन, पीरियड ऑफ इनएक्शन, पीरियड ऑफ हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर चार्ज। एक्शन पीरियड वो हुआ कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, कोई अपने जैसे आप SNT की आप बात कर रहे हो, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उसकी कोई बंदा है सिग्नल के लिए, सिग्नल ठीक करने गया, चढ़ा ऊपर, सिग्नल ठीक कर रहा है, वो एक्शन पीरियड है। सिग्नल ठीक करके आ गया, बैठा हुआ है, अभी कोई फेलियर नहीं है, कोई इधर बैठा हुआ है, वो तो वो इनएक्शन पीरियड हो गया। और एक होता है हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर, मतलब कई कैटेगरी में होता है, कई में नहीं होता है। जैसे बुकिंग क्लर्क है, शिफ्ट ड्यूटी चल रही है, जहाँ चार्ज और हैंड ओवर टेकिंग ओवर करना पड़ता है हर शिफ्ट ड्यूटी के। जैसे बुकिंग क्लर्क है, स्टेशन मास्टर है, ये लोग जो होते हैं वो चार्ज हैंड ओवर टेक ओवर करते हैं। जैसे उनका रिलीवर आएगा, एक तो पहले किसी को रिलीव करेंगे लोग, उससे चार्ज लेंगे, और जब अपनी ड्यूटी खत्म करके जाएंगे तो नेक्स्ट जो बंदा होगा उसको चार्ज देके जाएंगे, उसको चार्ज हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर कहते हैं। इसमें HOR का जो वर्ड यूज होता है वो PNC टाइम बोलते हैं, प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री टाइम। तो यहाँ पे हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर है, लेकिन ऑफिशियल नाम उसका होता है PNC टाइम बोलते हैं उसको, हैंडिंग ओवर एंड सॉरी प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री टाइम। पीरियड ऑफ इंटरवल, पीरियड बिटवीन स्पेस ऑफ ड्यूटी ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय कैन लीव प्लेस। पीरियड ऑफ इंटरवल वो होता है जिसमें बीच में अगर ब्रेक हो गया तो कर्मचारी जो है अपनी ड्यूटी प्लेस छोड़कर जा सकता है। फुल नाइट, HOR की तरफ जो डेफिनेशन है उसमें फुल नाइट एक आता है, जो नाइट होती है रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, उसको हम फुल नाइट बोलते हैं। और नाइट ड्यूटी भी जो रात को 10 बजे से 6 बजे के बीच में काम की जाती है, उसके दौरान उसको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। रोस्टर
आता है एचओआर के अंदर कि रोस्टर क्या होता है, तो रोस्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच शोज द आवर्स दैट रेलवे सर्वेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन ड्यूटी एवरी डे डेली एज वेल एज वीकली रेस्ट ब्रेक बिटवीन स्पेल्स ऑफ ड्यूटी इन ए डे बिसाइड्स अदर पर्टिकुलर। रोस्टर जो एक डॉक्यूमेंट है वो एचओआर सेक्शन जो डिविजन में होता है, वेलफेयर के अंदर एचओआर एक पार्ट है, वो हर रेलवे कर्मचारी जो नॉन रजिस्टर्ड रेल कर्मचारी है उसकी ड्यूटी रोस्टर इश्यू करता है हर यूनिट में। उस रोस्टर ड्यूटी जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर रेलवे कर्मचारी जो होंगे वहां पे काम कर रहे होंगे वो किस टाइम पे वो काम करेंगे, किस टाइम पे उनको वीकली रेस्ट मिलेगा, कितने घंटे का रेस्ट मिलेगा, क्या टाइम से टाइम पे उसको ड्यूटी करनी है, किस टाइम से टाइम रेस्ट करना है उसको, क्या क्लासिफिकेशन है वो बंदे का, सारा डिटेल्स में आता है। उसकी रोस्टर ड्यूटी कितने हैं घंटे हैं, उसको वीक में कितने घंटे काम करना है वो एक आएगा, फिर कितने घंटे के बाद ज्यादा काम करने से छोटा मिला, सारे डिटेल्स उसमें रोस्टर ड्यूटी के अंदर और रोस्टर जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपको मिलेगा। अगला जो शब्द है वो है लॉन्ग ऑन। लॉन्ग ऑन मीन्स पीरियड ऑफ ड्यूटी ओवर 8 hours इन इंटेंसिव रोस्टर, 10 hours इन कंटिन्यूस रोस्टर, 12 hours इन EI रोस्टर। जैसे मैंने इनिशियल बताया था कि कोई भी कर्मचारी को के ड्यूटी आवर्स को रेगुलेट करता है एचओआर जो एक्ट है हमारा, यानी कि कोई आदमी किसी दिन ड्यूटी करेगा तो कितने घंटे करेगा, ये तो हमारा एक फिक्स हो गया कि ये कर्मचारी जो है, मान लीजिए हम एग्जांपल ले सी में, तो हम मानते हैं कि सी में बंदा 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है तो डेली हम उससे 8 घंटे लेते हैं। तो ये लॉन्ग ऑन का मतलब ये होता है कि जो अलग अलग क्लासिफिकेशन में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं EIC इंटेंसिव तीन क्लासिफिकेशन में जो काम कर रहे हैं उनसे हम एक दिन में कितने घंटे मैक्सिमम काम लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा सी में आया सुबह 10 बजे आया उसको हम काम कराया जा रहे हैं रात को 12 बजे तक, या नहीं हमारे पास आदमी नहीं है हम अगले दिन सुबह तक काम कराए, ऐसा नहीं कर सकते आप। इस एक्ट के तहत आपके पास सीमा एक बांध दी आपको कि आप इतने घंटे से ज्यादा उससे काम नहीं ले सकते। तो जैसे बताया है इंटेंसिव में हम एवरेज जनरली आपको बता दूं 6 घंटे हम डेली काम करता है बंदा, तो इंटेंसिव में जो बंदा 6 घंटे काम कर रहा है उससे हम मैक्सिमम 8 घंटे काम लेंगे, उसके बाद उसको ऑफ ड्यूटी कराना ही पड़ेगा नहीं तो वो एचओआर का ब्रीच हो जाएगा। तो किसी भी इंटेंसिव कर्मचारी से हम 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते। कंटिन्यूस मतलब जो जनरली 8 घंटे काम करता है डेली जो आते हैं 8 घंटे, तो 8 घंटे वाले से हम मैक्सिमम 10 घंटे काम करा सकते हैं। और EI रोस्टर वाला जो होता है वो 12 घंटे, यानी जो कर्मचारी EI रोस्टर में काम कर रहा है उससे हम मैक्सिमम 12 घंटे एट ए स्ट्रेच काम ले सकते हैं। मेरे ख्याल से लॉन्ग ऑन समझ में आ गया होगा कि कोई भी कर्मचारी जिस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में काम कर रहा है उस क्लासिफिकेशन के कर्मचारी से हम एट ए स्ट्रेच एक बार ऑन ड्यूटी होने के बाद कितने घंटे उसे काम करा सकते हैं। तो ये इंटेंसिव में 8 घंटा है, कंटिन्यूस में 10 घंटा और EI में 12 घंटा है। इसको मैं इसलिए अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है लॉन्ग ऑन। इसके बाद इसका जस्ट उल्टा होता है शॉर्ट ऑफ। लॉन्ग ऑन और शॉर्ट ऑफ एचओआर के दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो कोई भी रोस्टर ड्यूटी हम किसी को रोस्टर बनाने हैं हमको, तो हमको ये रोस्टर लॉन्ग ऑन और शॉर्ट ऑफ का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई किसी भी आदमी का हम जो ड्यूटी रोस्ट बना रहे हैं किस लॉन्ग ऑन से ज्यादा नहीं हो जाए और शॉर्ट ऑफ ना हो जाए। शॉर्ट ऑफ में बताया इन केस ऑफ इंटेंसिव वर्कर लेस देन 12 आवर्स इन ए रोस्टर ऑफ 6 आवर ड्यूटी, लेस देन 14 आवर्स इन ए मिक्स रोस्टर ऑफ 6 and 8 आवर ड्यूटी, लेस देन 10 आवर्स इन कंटिन्यूस वर्कर एंड लेस देन 8 आवर्स इन केस ऑफ EI वर्कर्स। एक तो मैंने बताया था आपका लॉन्ग ऑन ये आपका होता है एक आदमी ऑन ड्यूटी हो गया है ऑन ड्यूटी से लेके कितने घंटे काम करेगा, तो ये शॉर्ट ऑफ होता है कि आदमी ऑन ड्यूटी से ऑफ ड्यूटी के बाद जब नेक्स्ट ड्यूटी उसकी स्टार्ट होगी। सपोज आप सुबह 10 बजे ऑन ड्यूटी हुए, आपकी 8 घंटे की नौकरी है, शाम को 6 बजे ऑफ ड्यूटी हो गया, 6 बजे ऑफ ड्यूटी होने के बाद जब नेक्स्ट ड्यूटी आपकी कितने घंटे बाद हम लगा सकती है, सरकार आपकी लगा सकती है, वो कहलाती है। उससे कम होता है तो शॉर्ट ऑफ होता है, यानी कि अगर मान लीजिए बंदा इंटेंसिव में काम कर रहा है, इंटेंसिव में एक आदमी ऑफ ड्यूटी करने के बाद उसको हम नेक्स्ट 12 घंटे बाद ही बुलाएंगे, यानी अगर शाम को अगर 6 बजे उसकी ड्यूटी ऑफ ड्यूटी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि किसी आदमी की जैसे 8 घंटे में बात कर रहे थे, सपोज उसकी 12 बजे ऑन ड्यूटी हुई इंटेंसिव में हम बात कर रहे थे, इंटेंसिव में जनरली 6 घंटे आदमी काम करता है डेली, तो 6 बजे मतलब दोपहर को अगर 12 बजे ऑन ड्यूटी हुआ है, शाम को 6 बजे ऑफ ड्यूटी हो गया, तो शाम को 6 बजे से ऑफ ड्यूटी के बाद हम उसको 12 घंटे से पहले हम नहीं बुला सकते ड्यूटी पे। तो 12 घंटे कब होंगे, उस सुबह 6 बजे 12 घंटे होंगे, यानी शाम को किसी ने बंदे ने अगर 6 बजे ऑफ ड्यूटी किया है तो उसको हम अगले दिन सुबह 6 बजे से पहले हम उसको नहीं बुला सकते, या फिर अगर दोपहर को 12 बजे ऑफ ड्यूटी किया उसने
रात को 12 बजे से पहले उसको ड्यूटी नहीं, उसको ड्यूटी पे नहीं बुलाएंगे, और हम बुलाएंगे तो उसको बोला जाएगा शॉर्ट ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली एससी क्लासिफिकेशन है, जैसे मैंने बताया 10 बजे आया और 6 बजे गया है, तो 8 घंटे की नौकरी हो गई उसकी, तो कंटिन्यूस वर्कर्स से 10 घंटे बाद नहीं बुला के पहले नहीं बुला सकते, यानी शाम को 6 बजे ऑफ ड्यूटी किया है तो 6 और 6 12 यानी सुबह 4 बजे उससे पहले हम उसको नहीं बुला सकते। तो यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी कर्मचारी को ऑफ ड्यूटी करने के बाद जो मिनिमम रेस्ट देना है उसको जितना घंटे का, उसको एक प्रकार से हम बोलते हैं उससे कम होता है तो शॉर्ट ऑफ हो जाएगा। तो इंटेंसिव में अगर 12 घंटे के पहले बुलाया जाएगा तो शॉर्ट ऑफ हो जाएगा। सी वर्कर है, क्लासिफिकेशन वाला बंदा जो 8 घंटे डेली कर रहा है, उसको हम 10 घंटे से पहले बुलाएंगे तो वो शॉर्ट ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली ईआई में जो आदमी काम कर रहा है ऑफ ड्यूटी करके गया है, रात को 12 बजे ईआई का बंदा काम करके गया है, तो सुबह 8 बजे से पहले हम उसको नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे तो उसका शॉर्ट ऑफ हो जाएगा। तो लॉन्ग रन जो होता है वो होता है एक आदमी एक बार ऑन ड्यूटी होने के बाद कंटिन्यू हम कितना उसे काम ले रहे हैं, और शॉर्ट ऑफ हो गया एक बार ऑफ ड्यूटी कर गया, उसके बाद मिनिमम एक सर्टेन आवर्स का हमको रेस्ट देना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं दे पाते तो वो हमारा शॉर्ट ऑफ कहलाता है। किसी को डाउट है लॉन्ग ऑन शॉर्ट ऑफ में? किसी को डाउट नहीं है? आ गया सर, समझ में आ गया। आ गया, मुझे थोड़ा लगा कि टेढ़ा है लेकिन समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब आता है इसमें एचओआर में, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी आदमी का क्लासिफिकेशन हम डिसाइड करते हैं उसका नेचर ऑफ वर्क के ऊपर, कि काम कैसा है, कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, वो डिसाइड होता है सस्टेन अटेंशन। उसके लिए इसमें एक वर्ड आता है एचओआर में, सस्टेन अटेंशन। वो क्या होता है? सस्टेन अटेंशन का मतलब वो पीरियड है, वो समय अंतराल है जिसमें कर्मचारी जो है अटेंशन दे रहा, काम कर रहा है, आइदर फिजिकली और मेंटली। कोई जरूरी नहीं कि फिजिकली काम करे, आप बैठे हुए हो और आपको जैसे कंट्रोलर में आप बैठे हो तो आपको दिमाग चलाना है कि मुझे कहाँ गाड़ी कहाँ से कहाँ क्रॉसिंग कराना है, कहाँ गाड़ी को हॉल्ट कराना है, किस गाड़ी को थ्रू कराना है। तो जरूरी नहीं कि आप फिजिकल बैठे हो लेकिन आप दिमाग में आपका काम चल रहा है, या फिर आप फिजिकली काम कर रहे हो। तो दोनों केस में जब आप काम कर रहे होते हो आइदर मेंटली और फिजिकली, वो पीरियड आपका सस्टेनेशन कहलाता है। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज मेंटल एफर्ट्स व्हेन अ रेलवे सर्वेंट इज कॉल्ड अपॉन टू डिस्प्ले हाई लेवल्स ऑफ कंसंट्रेशन और फिजिकल एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट वेटिंग फॉर अराइवल ऑफ ट्रेन आफ्टर सेटिंग पॉइंट्स इज रिक्वायर्ड टू गिव सस्टेन अटेंशन। सिमिलरली एसएम इज रिक्वायर्ड टू पे सस्टेन अटेंशन फ्रॉम द टाइम ऑफ लाइन क्लियर टिल द अराइवल ऑफ द ट्रेन। इसका मतलब मैं बता दूं कि एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप सिग्नल का जैसे बात कर रहे हैं, आपने सिग्नल पिक करके आप बैठ गए वेट कर रहे हैं, वो हम उसको बोलेंगे सस्टेन अटेंशन या फ्री बैठे हो उसको कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको लगेगा बंदा बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्टेशन मास्टर का मैं बता दूं, स्टेशन मास्टर में आपने आइडिया होगा आपको, स्टेशन मास्टर में बाजू से स्टेशन में गाड़ी से अगर गाड़ी आएगी पहले तो गाड़ी का डिपार्चर मिलेगा बाजू वाले स्टेशन में, उससे पहले वो लाइन क्लियर मांगता है, यानी दूसरे स्टेशन से गाड़ी निकलेगी तो पिछला वाला स्टेशन लाइन क्लियर मांगेगा। तो लाइन क्लियर देने के बाद जनरल स्टेशन मास्टर बैठा रहता है, क्योंकि उसके काम होता है ना, जब गाड़ी निकलती है पिछले स्टेशन से तब सिग्नल देने का, गेट बंद कराने का काफी काम रहता है, बिजी भी रहता है। और होता है सिग्नल देने में 1 मिनट लगता है या गेट नहीं है तो शायद आपको लगे बैठा हुआ। लेकिन सरकार का ये कहना है कि एक बार लाइन क्लियर दे दिया आपने, जो कि जनरली एवरेज हम 20 से 25 मिनट पहले लाइन क्लियर देते हैं, उसके बाद आपको लगेगा स्टेशन मास्टर बैठा हुआ, लेकिन सरकार ये बोलते हैं नहीं, उसके दिमाग में एक्टिविटी चल रही है तो उसको पूरा पीरियड आपको सस्टेन अटेंशन देना पड़ेगा। तो स्टेशन मास्टर कैटेगरी और पॉइंट्समैन दो कैटेगरी के लिए सरकार ने बोल दिया है कि आपको देखने की जरूरत नहीं है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या दिमाग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एक बार उसने लाइन क्लियर दे दिया है जो एवरेज 20-25 मिनट पहले देता है, तो वहां से उसको पूरा सस्टेन अटेंशन पूरा पीरियड काउंट होगा आपका, कि हम मानेंगे उसको will be deemed that he has displayed some mental or physical activity, ये मान लिया जाएगा। Similarly, pointsman भी एक बार signal, जैसे पिछली स्टेशन गाड़ी निकली उसने पॉइंट सेट कर दिया, पॉइंट सेट करने के बाद अब 10 मिनट बाद गाड़ी आएगी, वो खड़ा हुआ है वेट कर रहा है गाड़ी का, तो हम ये नहीं बोलेंगे वो वेट कर रहा है तो अभी तो काम तो कर ही नहीं रहा है। तो सरकार का ये कहना है कि एक बार पॉइंट सेट कर दिया पॉइंट्समैन ने तो वो अटेंशन में है, मेंटल अटेंशन में है, वो उस पीरियड को आपको पूरा सस्टेन अटेंशन काउंट करना है। तो ये दो कैटेगरी के लिए सरकार ने स्पेसिफाई कर दिया है। तो जब जॉबलेस वगैरह होता है तो उसमें जब हम सस्टेन अटेंशन पीरियड निकालते हैं उसमें पूरा उसको क्रेडिट मिल जाता है। ये दो एग्जांपल दिए,
ड्यूटी क्या होती है? स्प्लिट ड्यूटी इट मीन्स ड्यूटी इन टू और मोर स्पेस विथ इंटरवेनिंग breaks each of half or more hours necessitated by the excess of work and when the employee is free to leave his place of duty, interval for rest and meals shall not be break for the purpose of split duty. Split duty का मतलब ये होता है कि कई बार जो ड्यूटी होती है वो एक शिफ्ट सिंगल शिफ्ट में नहीं होती. नॉर्मली हम लोग सुबह आए 10 बजे कंटिन्यू 6 बजे तक काम किया, वो हो गया सिंगल ड्यूटी. कई बार ब्रेक होता है कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक काम किया आपने, 1-2 घंटे का ब्रेक हो गया, फिर आप वापस 2 बजे आ रहे हैं और 6 बजे तक काम कर रहे हैं. जो 2 घंटे का बीच में ब्रेक हुआ उसको बोलते हैं स्प्लिट ड्यूटी, उसको बोलेंगे कि आपने एक शिफ्ट को 2 शिफ्ट में बांट दिया. तो अगर कोई भी एक शिफ्ट है उसको 2 या अधिक शिफ्ट में अगर स्प्लिट करते हैं तो उसको स्प्लिट ड्यूटी बोलते हैं. लेकिन जो ब्रेक होगा उसको हम ब्रेक तभी मानेंगे जब वो आधे घंटे या उससे अधिक का ब्रेक होगा. यानी कभी आपको अगर लंच ब्रेक दिया है आपको ऑफिशियली, मान लीजिए 15 मिनट का लंच ब्रेक है या टी ब्रेक है या 20 मिनट का है, इवन 25 मिनट का भी आपको लंच ब्रेक दिया, तो फिर वो आपके ड्यूटी आवर्स में काउंट होगा. अगर 15 मिनट का लंच ब्रेक दिया या 20 मिनट का भी दिया है तो उसको ये माना जाएगा कि आप ड्यूटी आवर्स पे हैं और ड्यूटी आवर्स काउंट करेंगे. लेकिन आधे घंटे से ज्यादा का, आधा घंटा या ज्यादा का आपका ब्रेक दिया हुआ है तो फिर वो ड्यूटी आवर्स में काउंट नहीं होगा. मतलब आपका सपोज आपको 8 घंटे की नौकरी करनी है तो 10 से 6 कंटिन्यू आप 8 घंटे का होगा, 8 घंटे होता है, लेकिन आपको आधा घंटा ब्रेक दिया जाता है तो आपको 10 से 6 की जगह अगर मान लीजिए बीच में आपको 2 बजे ब्रेक दिया है, 1:30 बजे दिया है, तो वो पीरियड हम काउंट नहीं करेंगे और 10 से 6:30 की ड्यूटी हो जाएगी, आधा घंटा जुड़ जाएगा. लेकिन मान लीजिए आपका 1:30 बजे से 20 मिनट का ब्रेक दिया है तो फिर आपका कंटिन्यू ड्यूटी काउंट होकर आपका 10 से 6 की ड्यूटी होगी और 20 मिनट आपका उस ड्यूटी आवर्स में काउंट हो जाएगा. इसमें स्प्लिट ड्यूटी का ये प्रोविजन है कि आपको अगर ब्रेक देना है तो आपको आधे घंटे का से ज्यादा का होगा तभी वो ब्रेक में काउंट होगा और इस ब्रेक के अंदर कर्मचारी अपना प्लेस छोड़ के जा सकता है. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया आपको कि कोई भी कर्मचारी को जो नॉन रजिस्टर्ड कर्मचारी है उसको हम 4 क्लासिफिकेशन में बांटते हैं, इंटेंसिव, ईआई, कंटिन्यूस एंड एक्सक्लूडेड कैटेगरी. ये जो कैटेगरी के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी है उसमें बता दूं जो 3 कैटेगरी हमारी आती है, इंटेंसिव, ईआई एंड कंटिन्यूस. वो पावर वैसे जीएम के पास रहते हैं, जीएम ने पावर डेलीगेट कर रहे हैं सीपीओ सबको. तो जो कंपिटेंट अथॉरिटी है जो क्लासिफिकेशन डिसाइड करने के लिए कि किस कर्मचारी को या किस डेजिग्नेशन के पोस्ट को किस क्लासिफिकेशन में रखना है ये डिसाइड करते हैं सीपीओ है हर जोनल में. और जो एक्सक्लूडेड कैटेगरी है वो डिसाइड करती है रेलवे बोर्ड इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, यानी श्रम मंत्रालय की सहमति से जो रेलवे बोर्ड है वो डिसाइड करती है कि हमारी कौन कौन सी कैटेगरियां हैं जो कि एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आएगी. उस एक्सक्लूडेड कैटेगरी को छोड़ के बाकी जो 3 कैटेगरियां हैं हमारी, इंटेंसिव, ईआई और कंटिन्यूस, उसको हेडक्वार्टर में डिसाइड किया जाता. उसके लिए आपको शायद मालूम होगा कि कोई भी कर्मचारी का क्लासिफिकेशन डिसाइड करने के लिए फैक्चुअल जॉब एनालिसिस किया जाता है जो लगातार 72 आवर्स जो एचओआर के 3 लोगों की टीम में जाती है अलोंग विद उसमें उनका जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का इंस्पेक्टर भी साथ में रहता है उसमें, और वो लोग लगातार 72 घंटे जॉब एनालिसिस करते हैं. और जॉब एनालिसिस के दौरान जो मैंने बताया था आपको सस्टेनेशन अटेंशन जो पीरियड होता है वो उसके हिसाब से देखा जाता है कि कितने घंटे वो बंदा सस्टेन अटेंशन में रहा, यानी उसका पीरियड ऑफ एक्शन कितना रहा, पीरियड ऑफ इनएक्शन कितना रहा, उसका टोटल लगाया जाता है और उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि जो कैटेगरी है जो पोस्ट है वो इंटेंसिव में रहेगी, यही में रहेगी या कंटिन्यूस में रहेगी. तो 72 आवर्स के बाद पूरा रिपोर्ट जाएगा हेडक्वार्टर में. और अगर जो एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन है उसको अगर चेंज आता है, कोई भी क्लासिफिकेशन चल रहा है इंटेंसिव, ईआई और कंटिन्यूस, वो अगर क्लासिफिकेशन में जो पोस्ट है उस पोस्ट में अगर ड्यू टू एनी रीजन काम वर्क नेचर ऑफ वर्क या काम बढ़ गया है या कम हो गया है, दोनों कंडीशन में चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन रिक्वायरमेंट है अगर उसकी, तो जॉब एनालिस्ट के द्वारा चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन किया जाता है. ये चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन आइदर एम्प्लॉय खुद लिखे, यूनियन के थ्रू जाए, या काम कम हो गया है तो एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि काम कम हो गया है तो वो जॉब एनालिस्ट करा के वहाँ पोस्ट कम करा सकती है, इसी से यही करा सकती है. दोनों मामलों में जो है उसकी रिपोर्ट हेडक्वार्टर को भेजी जाती है, वहां सीपीओ साहब उसको डिसीजन देते हैं कि चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन का अप्रूवल देते हैं.
अब ये इश्यू आता है कि कोई भी, जैसे हमने कोई जॉबलेस किया, कोई सी से पीआई कर दिया, यानी डाउनग्रेड कर दिया जॉब क्लासिफिकेशन को, ऑब्वियसली पहले सी में कर्मचारी 8 घंटे काम कर रहा था, अभी यही कर देंगे, 12 घंटे काम करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कोई भी कर्मचारी उस चीज को पसंद नहीं करेगा। तो कोई भी हम काम करते हैं, जैसे डीआर के अंदर भी किसी अथॉरिटी ने डीएनए एनआईपी दी, एनआईपी से कर्मचारी अगर एग्री नहीं करता है तो उस पर अपील का प्रोविजन है डीआर के अंदर, फिर एक रिवीजन का प्रोविजन, दो चैनल दिए हैं। कैट के बाद हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हर जगह दो चैनल है। सिमिलरली यहाँ भी जब आप क्लासिफिकेशन किसी भी कर्मचारी का चेंज करते हो, कर्मचारी मतलब किसी भी कैटेगरी का पोस्ट का, तो उसके ऊपर भी उस कर्मचारी के लिए किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास, दोनों के पास जो है अपील का प्रोविजन है, और दो चैनल है इसमें। पहला चैनल जाता है अपील अगेंस्ट द क्लासिफिकेशन लाइज टू आरएलसी, यानी रीजनल लेबर कमिश्नर, जो श्रम मंत्रालय के जो अधिकारी होते हैं, जो उसमें पोस्ट है रीजनल लेबर कमिश्नर पोस्ट है, वहां जो चेंज को क्लासिफिकेशन किया है उसके अंदर विद इन 90 डेज जो रिजल्ट डिक्लेयर किया हुआ है, 90 डेज अपील की जा सकती है। उसके बाद मामला आरएलसी के पास जाता है, वो पूरा उसको एग्जामिन करने के बाद फिर डिसीजन देते हैं, और उस डिसीजन के बाद भी कोई भी पार्टी आइदर एडमिनिस्ट्रेशन और एम्प्लॉई, वो लोग उस डिसीजन के अगेंस्ट में दोबारा अपील की जाती है, वो अपील भी विद इन 90 डेज करनी पड़ती है, और वो जाती है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री और लेबर को अपना जो सेक्रेटरी है उनके पास जाएगी। यानी इसमें 2 बार 90 डेज का प्रोविजन है, जैसे हमारे डीआर के अंदर अपील 90 डेज में करते हैं अपन, और फिर रिविजन 90 डेज में किया जाता है अपील के फाइनल होने के बाद। इसमें भी सेम वही चैनल है, तो ये आपकी अपील का प्रोविजन है अगर जॉबलेस से आप एग्री नहीं करते हैं तो। अब आता है जो मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन, जो बताए थे 4 क्लासिफिकेशन, उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में बात करेंगे। कि पहला आता है इंटेंसिव क्लासिफिकेशन। इंटेंसिव क्या है, इसमें बताया है कि नेचर ऑफ वर्क जो है स्ट्रेनुअस नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्विंग कंटिन्यूस मेंटल और फिजिकल अटेंशन विथ लिटिल और नो प्रॉपर नो पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन, मतलब बिल्कुल काफी थका देने वाला काम रहता है इसमें, आदमी को कंटिन्यूस मेंटल या फिजिकल अटेंशन रहेगा, और उस जो ड्यूटी आवर्स हैं उस दौरान उसको या तो बिल्कुल नहीं मिलेगा रेस्ट रिलैक्सेशन का टाइम, या बहुत थोड़ा मिलेगा। तो इस कैटेगरी में वो कर्मचारी जिसमें जिसका नेचर ऑफ वर्क बहुत ज्यादा ही स्ट्रेनुअस नेचर होता है, और जिसमें फिजिकल और मेंटल जो अटेंशन काफी ज्यादा रहता है, इसमें जो पीरियड ऑफ इनेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया इनेक्शन का मतलब जब आप फ्री बैठे हो काम नहीं है, वो अगर हम टोटल लगाएंगे तो डू नॉट एग्रीगेट 1 आवर और मोर इन शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स, यानी 8 घंटे की शिफ्ट में 1 घंटे से अधिक का उसको रेस्ट नहीं मिलेगा इसके अंदर, और 24 घंटे के मामले में 6 घंटे ज्यादा रेस्ट नहीं मिलेगा। और वीकली रोस्टर आवर्स इसमें बताया 42 घंटे होता है वीकली रोस्टर आवर्स, स्टेट्यूटरी लिमिट होती है 45 घंटे, और वीकली जो रेस्ट है वो 30 घंटे का होता है। अब मैं बता दूं सी और डी और ई क्या है। वीकली रोस्टर आवर्स जैसे मैंने बताया था कि एचओआर का मतलब होता है काम के घंटों को रेगुलेट करना, एक कर्मचारी डेली कितना काम करेगा, तो डेली हम बोलने में डेली बोलते हैं, एचओआर के तहत डेली नहीं होता है वीकली होता है, या मतलब 14 दिन का जो वीकली वीक होता है उसके हिसाब से आपको वीक में कितना काम करना है। तो जो इंटेंसिव का जो कर्मचारी होगा उसको डेली नहीं होता है वीकली, उसको 42 घंटे काम करना है मिनिमम, उसको बोलते हैं रोस्टर आवर्स। यानी उस यही कर्मचारी का जो रोस्टर आवर्स है वो है 42 आवर्स। उसके बाद आती है कि स्टेट्यूट लिमिट आएगी आपको हर क्लासिफिकेशन में। स्टेट्यूट लिमिट का जो मतलब होता है कि कर्मचारी को जो ओटी हम मिलने का उसको ओवर टाइम, अगर 42 घंटे से ज्यादा काम करेगा तो उसको ओवर टाइम के लिए वो हकदार हो जाएगा। वो 42 के, लेकिन 42 से लेके अगर 45 घंटे, 3 घंटे के लिए उसको सिर्फ 1.5 गुना रेट मिलेगा जो उसका रेट होता है, डेटा रेट वो मिलेगा। और 45 घंटे बाद मैंने इंस्टीट्यूट आवर्स से ऊपर जब आप काम करेगा वो बंदा, तो उसके बाद उसको रेट उसका डबल हो जाएगा। स्टेट्यूट लिमिट का बस मतलब इतना ही होता है कि अप टू स्टेट्यूट लिमिट आदमी को 1.5 घंटा रेट से ओवर टाइम मिलेगा, और स्टेट्यूट के बाद वो डबल डबल रेट मिल जाता है उसको। और जो यही में जो काम कर रहे, सॉरी इंटेंसिव में जो काम कर रहे हैं उनका जो रेस्ट होता है वीकली वो 30 घंटे का रेस्ट होगा। इसके बाद आता है एसेंशियली इंटरमिटेंट ईआई। नेचर ऑफ वर्क ये है प्रेजेंस एट ड्यूटी प्लेस इसेंशियल, मतलब कार्यस्थल पर उपस्थित रहना आवश्यक है इसके अंदर, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट वर्कर परफॉर्म्स
और डिस्प्ले एनी फिजिकल एक्टिविटी और सस्टेन एटेंशन, मतलब जहाँ बहुत कम काम है आपको वहां ड्यूटी पे रहना, उपस्थित जगह, बाकी काम आपका है भी और नहीं भी या बहुत कम काम है उसमें पीरियड ऑफ इनेक्शन, इसमें पीरियड ऑफ इनेक्शन बता दिया कि 6-12 घंटे की ड्यूटी में 6 घंटे या उससे अधिक, 6 घंटे में आपको बता दो, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको कि 6 घंटे तो आपको मिनिमम रेस्ट मिलेगा मिलेगा ईए में, यानी ईआई में ये हो सकता है कि 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे इवन 10 घंटे इवन 11 घंटे, पता चला 11 घंटे तो आराम ही कर रहा है सिर्फ, उसके बाद 1 घंटे का काम है, 10 मिनट का काम है, आधा घंटे का पूरे 12 घंटे। तो ये वो लोग होते हैं जहाँ उनके पास इनेक्शन पीरियड बहुत ज्यादा होता है, तो वो लोग ईआई में आते हैं। वीकली रोस्टर आवर्स, इसमें रोस्टर आवर्स थोड़ा सा अलग अलग होगा आपका, ये और सी में क्लियर है, काफी सिंपल है, इसमें थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेट हो रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टाफ हु आर पोस्टेड ऑन रोड साइड स्टेशन एंड प्रोवाइडेड विद हाउसिंग फैसिलिटी विद इन 0.5 किलोमीटर, यानी कि जो कर्मचारी रोड साइड स्टेशन में पोस्टेड है और उनको आधे किलोमीटर के अंदर रेलवे ने मकान फैसिलिटी दी हुए है, तो उनको हम 72 आवर्स काम करेंगे वीक में, नहीं तो 60 घंटे काम करेंगे। इसके अलावा जो स्टाफ हुआ पोस्टेड अदर देन रोड साइड स्टेशन, उनके लिए 60 घंटा है। अदर देन रोड साइड स्टेशन वो होते हैं जो बड़े स्टेशन है, मासलिक यार्ड है, जहाँ गाड़ियां टर्मिनेट होती है, जो अहमदाबाद रीजन की मैं अगर बात करूँ तो जितने भी बड़े स्टेशन है आपके अहमदाबाद, साबरमती, मेहसाना, पालनपुर, गांधीधाम, धांगधरा, ये सब जो बड़े स्टेशन है आपके, ये सब अदर देन रोड साइड कहलाते हैं। यहाँ जो भी कर्मचारी ये में है वो 60 घंटे काम करेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर ही हैज बीन एलोटेड रेलवे क्वार्टर विद इन 0.5 किलोमीटर और नॉट, यानी उस पर लागू नहीं होगी कंडीशन ये में होने के बावजूद कि इसको क्वार्टर दिया है कि नहीं दिया है, कि आधे किलोमीटर में क्वार्टर दिया है नहीं दिया। कोई भी कर्मचारी जो अदर देन रोड साइड स्टेशन में पोस्टेड है वो उसको हम 60 घंटे ही लेंगे ड्यूटी आवर्स, उसका फिक्स हो जाएगा। और रोड साइड में भी अगर उसको क्वार्टर नहीं दिया हुआ आधा किलोमीटर के अंदर तो भी वो 60 घंटे काम करेगा। 72 आवर्स सिर्फ वो लोग काम करेंगे जो कि रोड साइड स्टेशन में पोस्टेड हैं और जिनको आधे किलोमीटर के अंदर मकान दिया गया है, सिर्फ उनसे हम 72 घंटे काम लेंगे, बाकी सभी से। सभी में कौन आ गया? एक तो जो रोड साइड में है जिनका स्क्वार्टर नहीं दिया आधे किलोमीटर के अंदर या दिया ही नहीं है, और जो अदर देन रोड साइड में है बड़े स्टेशन पे, वो सबसे हम 60 आवर्स लेंगे। दी है अपना स्टेट्यूटरी लिमिट जो है ये के लिए, स्टेट्यूटरी लिमिट जो है वो 75 घंटा है, यानी कि अगर 60 घंटे वो काम कर रहा है रोस्टर आवर्स जो अदर देन रोड साइड स्टेशन पोस्टेड है, या उसका ड्यूटी आवर्स 60 आवर्स वाला है, तो अप टू 15 आवर्स 15 घंटे तक उसका जो रेट होगा, उसका आवर्ली रेट होगा वो 1.5 गुना होगा। 75 से भी ज्यादा काम करता है तो 75 के बाद इतना घंटे काम किया उसके लिए उसको डबल रेट में ओवर टाइम मिलेगा। उसमें रेस्ट बताया 24 घंटे इंक्लूडिंग नाइट इन बेड। नाइट इन बेड का मतलब होता है कि उसको 10 से 6 का नाइट मिलना चाहिए, रेस्ट घर पे मिलना चाहिए उसको, यानी कि ऐसा नहीं कि रात को 12 बजे आपने ऑफ ड्यूटी किया और अगले दिन रात को 12 बजे बुला लिया, 24 घंटे हो जाता आपका, लेकिन उसको हम नहीं मानेंगे क्योंकि रात को 12 बजे इसकी नाइट नहीं होती। तो अगर उसको ऑफ ड्यूटी करना भी है तो हमको एटलीस्ट रात को 10 बजे ऑफ ड्यूटी करना पड़ेगा ताकि अगले दिन रात को 10 बजे आ जाए, तो ये 10 से 6 ये वो नाइट इन बेड उसकी होनी चाहिए, तो हमको उस हिसाब से उसका रेस्ट देना पड़ेगा कि उसका 10 से 6 वो घर पे नाइट इन बेड रेस्ट कर सके। उसके बाद आ गया हमारा कंटिन्यूस, आया कंटिन्यूस क्लासिफिकेशन। इसमें नेचर ऑफ वर्क बताया नॉट सो बिजी लाइक इंटेंसिव वर्कर एंड नॉट सो रिलैक्स लाइक ईआई वर्कर, एवरेज वर्क, मतलब इसमें इतना भी आदमी बिजी नहीं रहता जितना इंटेंसिव में रहता है, ना ही इतना फ्री रहता है जितना ईआई के लिए रहता है, एवरेज वर्क होता है, वो लोग कंटिन्यूस में आते हैं। पीरियड ऑफ इनेक्शन नॉट मोर देन 2 आवर्स ड्यूरिंग द 8 आवर्स, मतलब 8 घंटे
की शिफ्ट ड्यूटी में 2 घंटे से ज्यादा वो पीरियड फ्री नहीं रह पाते। वीकली रोस्टर आवर्स की बात करें तो 48 घंटे इनको काम करना होता है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए 40 घंटा है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में काम करते हैं। स्टेट्यूटरी लिमिट इनकी 54 घंटा है, यानी कि 48 घंटे से लेकर 54 घंटे तक इनको 1.5 गुना रेट मिलेगा। 54 घंटे के ऊपर काम करेंगे तो इनको डबल रेट मिलेगा। वीकली आवर्स इनको भी 30 घंटे का रेस्ट मिलेगा एक वीक के अंदर। एक बात मैं बताना रहेगी आपको शायद अब कि एक जो वीकली हम रेस्ट की बात कर रहे हैं, वीक में हमको इतने घंटे काम करना है तो वीक कहाँ से पकड़ना है ये शायद बताया नहीं, तो मैं बता दूं जो एचओआर कहता है जो वीक स्टार्ट होता है वो होता है संडे से स्टार्ट होता है। यानी जो भी हम वीक की बात करें कितने घंटे काम करना है वो वीक होगा आपका संडे रात को 12 बजे, यानी सैटरडे की रात को 12 बजे संडे स्टार्ट होता है 00 AM संडे से, लेकिन सैटरडे की रात को 24 बजे तक या 12 कह लो रात के। तो जो वीक होता है वो संडे टू सैटरडे होता है। एक्सक्लूडेड कैटेगरी जो बता दी है कि एक्सक्लूडेड इज द कैटेगरी फॉर विच नो प्रोविजन हैव बीन मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीरियड ऑफ रेस्ट एंड पेमेंट ऑर्डर। मतलब इसमें जो कर्मचारी काम करते हैं इनके लिए कोई नियम नहीं बनाए हुए हैं कि इनके लिए वीकली रेस्ट होना चाहिए, कब मिलेगा, पेमेंट ओवर टाइम के लिए कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। इसमें जो कैटेगरी आती है वो है ऑल सुपरवाइजर, स्टेनोग्राफर CA पब्लिक PA, साइफर ऑपरेटर, मैट्रन, सिस्टर इंचार्ज, मिडवाइफ, लेडी हेल्थ विजिटर, स्टाफ नर्स वगैरह आते हैं इसमें, प्रोजेक्शनिस्ट आते हैं, रेलवे स्कूल टीचर आते हैं, इंस्ट्रक्टर्स वर्किंग इन ट्रेनिंग सेंटर, ये सब लोग आते हैं। इन पे HOR के जो प्रोविजंस हैं कितने घंटे का काम लेना है इनसे या वीकली रेस्ट देना है या इनको ओवर टाइम देने का, वो नियम इन पे लागू नहीं होते। ये एक चार्ट है जिसमें किससे कितने घंटे का काम लेना चाहिए। पहला इंटेंसिव है, मैं इस माउस से दिखाता हूँ, ये हमारा इंटेंसिव है और इसका रोस्टर R/H मतलब रोस्टर आवर्स का इंटेंसिव में वीकली जो होता है 42 आवर्स है। PNC मतलब हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर में 3 घंटे होता है, डेली का 1/2 घंटा यानी 6 दिन का 3 घंटा। स्टेट्यूटरी आवर्स 45 घंटा यानी कि 45 - 42 3 घंटे के लिए डेटा रेट मिलेगा, 45 के ऊपर डबल रेट में ओवर टाइम मिलेगा। इनको रेस्ट 30 घंटे का देना है। ये जो सबसे ये लास्ट में है एवरेजिंग पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एवरेजिंग पीरियड होता है जब ओवर टाइम के लिए हमको एवरेजिंग पीरियड देना है कि कोई भी कर्मचारी जब काम करेगा तो ओवर टाइम के लिए एवरेजिंग पीरियड का इंपॉर्टेंस रहता है कि इस एवरेजिंग पीरियड मतलब इस हम जब किसी का ओवर टाइम देंगे तो हम ये नहीं कि आज उसका 8 घंटे करना था उसने आज 10 घंटे कर दिया था आप उसको 2 घंटे ओटी दोगे। ओटी उसका जब बनेगा जब उसकी एवरेजिंग पीरियड के अंदर जो रोस्टर आवर्स हैं उसके उस रोस्टर आवर्स से ज्यादा काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इंटेंसिव की बात करूं तो एवरेजिंग इंटेंसिव में 14 डेज है और सी में भी 14 डेज है। यानी इंटेंसिव का कर्मचारी और कंटिन्यूस का कर्मचारी जब 14 दिन काम करेगा तो 14 दिन में जो उसका रोस्टर आवर्स होगा उसके बियॉन्ड अगर वो जाता है तभी उसको ओटी मिलेगा, एक दिन से नहीं होगा इसमें। तो इंटेंसिव में जो हमारे रोस्टर आवर्स है 42 यानी 14 दिन में इसके होंगे 84, उसको 84 आवर्स के बाद जो काम करेगा उसका डेटा मिलेगा अप टू 90 यानी 45 से डबल करें 90 से 84 और 90 के बीच 6 आवर्स यानी फर्स्ट 6 आवर्स जो होगा उसका डेटा होगा 90 के बियॉन्ड काम करता है तो उसको डबल रेट मिलेगा। सिमिलरली कंटिन्यूस में भी जो है 108 है 82 आवर्स और रोस्टर आवर्स जो होंगे इसके 96 होंगे, 48 + 48 96 आवर्स होंगे तो 96 के बियॉन्ड काम करेगा तो अप टू 108 यानी 12 घंटे का उसको डेटा रेट मिलेगा। और अगर इसमें PNC काउंट हो जाता है कई बार अगर मास्टर वाले कैटेगरी में तो 6 घंटे और जुड़ते हैं 96 + 6 यानी 102 घंटा। तो 102 घंटा मतलब 108 से माइनस करेंगे जिसका भी जो रोस्टर आवर्स है इतनी देर के लिए इसको 1.5 गुना रेट मिलेगा और 108 के ऊपर जब जाएगा बंदा उतना फिर डबल रेट मिलेगा। तो इंटेंसिव और कंटिन्यूस का जो एवरेजिंग पीरियड है वो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो 2 वीक का होता है। यही का जो एवरेजिंग पीरियड होता है वो 1 वीक है यानी ये इनका डे हर वीक के बीच में ओटी डिसाइड हो जाएगा कि संडे टू सैटरडे 7 दिन में उसको आइदर 60 आवर्स करना था या 72 करना था, वो करने के बाद बियॉन्ड जाता है तो उसको ओटी 7 दिन में फाइनल हो जाएगा। जबकि इंटेंसिव सी के लिए 14 दिन के बाद डिसाइड होगा कि उसको कितने घंटे ओटी मिले। एस्कुलेटर के लिए कोई कंडीशन नहीं है रोस्टर आवर्स वगैरह, हाँ इसको एक यूनिटी ग्राउंड में बताया हुआ है कि 24 या 48 घंटे का 15 दिन में रेस्ट दिया जा सकता है।
ये एक फॉर्मूला है ओवर टाइम का निकालने का। पीरियोडिकल रेस्ट एक आता है, रेलवे सर्वेंट हु बिलोंग्स टू इंटेंसिव कंटिन्यूस कैटेगरी शैल बी ग्रांटेड एवरी वीक कमेंसिंग ऑन ए संडे रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन 30 कंसेक्यूटिव आवर्स एंड हुज एम्प्लॉयमेंट इन ईआई शैल बी ग्रांटेड रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन 24 आवर्स। इसमें बताया है कि जो रेल कर्मचारी जो इंटेंसिव और कंटिन्यूस कैटेगरी में काम करता है उसको संडे से स्टार्ट होने के बाद 30 घंटे का रेस्ट उसको मिला जाएगा। ईआई के लिए 24 घंटे का मैं आपको अभी बता चुका हूं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है कंपेंसेटरी पीरियड ऑफ रेस्ट। नो रेलवे सर्वेंट इन रेस्पेक्ट टू होम इन एक्सेप्शन हैज बीन मेड अंडर रूल 9 shall be required to work for more than 14 days without a period of rest and shall be provided with compensatory rest within this period। इसका मतलब है कि कोई भी कर्मचारी है उसको हमको वीकली रेस्ट देना है जैसे मैंने बताया गया, लेकिन किसी वजह से नहीं दे पाया तो एटलीस्ट उसको 14 दिन में एक रेस्ट देना है और अगर 14 उसके बाद और एक कंपेंसेटरी रेस्ट भी देना है। जो वीकली रेस्ट ना दे पाए उसको छूट गया उसका भी हमको वीकली रेस्ट देना है और 14 दिन में एक रेस्ट देने तो ही है उसको। ये एक बताया गया है रनिंग का, मैं आपको बता नहीं रहा रनिंग की आपको जरूरत है नहीं इसलिए मैं उसको बता नहीं रहा। एचओआर पे आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, तो डाउट एचओआर आगे चलें। और इसमें जो सुपरवाइजर है उसका तो रेस्ट डिफरेंट 48 और 24 लिखा है, देख लीजिए 24 आवर्स का वीकली मतलब 14 दिन में 24 घंटे महीने में 48 घंटा। ओके ये भी मतलब अंडर एचओआर का प्रोविजन नहीं है, आप चाहे तो दें नहीं दें मतलब यूनिटी ग्राउंड पे ऑफिशियल मैंडेटरी नहीं है। ओके सर। एचओआर का जनरली एक आध क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पेपर पूछते हैं पहले डिस्क्रिप्टिव जब आता था उसमें तो जनरली आता ही था एचओआर का। और मेरा मानना है कि जब रजिस्टर में जाते हैं तो एचओआर के प्रोविजंस आपको मालूम होने चाहिए। तो ये एचओआर के प्रोविजंस थे, अगर आपको कोई डाउट नहीं हो तो मैं आगे बढ़ूं सेटलमेंट बेनिफिट्स के ऊपर। कोई डाउट नहीं है? ये सर आगे चलते ठीक है सर। हाँ बोलिए। एक्सक्लूडिंग में जैसे नॉर्मल चल रहा है तो सुपरवाइजर ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी का कोई टाइम सुपरवाइजर का ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी होता नहीं ना उसका, तो वो कि ऑफिस आवर्स जो होंगे उस टाइम पे जाना है उसको। यानी ऑफिस में किसी भी टाइम पे आ जा सकता है कोई इस टाइम नहीं है। हां मैनेज करना उसको काम। एचओआर देखिए एचओआर का रूल बता रहा हूँ, बाकी आपके ऑफिस के आपके बॉस ने बनाया कि 10 बजे नॉर्मली हम 10 से 6 हम जाते हैं ऑफिस वो अलग है, लेकिन एचओआर की तरह कोई आपको एचओआर सेक्शन से कभी भी सुपरवाइजर के ड्यूटी रोस्टर नहीं मिलेगा आपको। ये मैंने आपको एचओआर के प्रोविजन बताए, रेलवे के रूल नहीं बताया मैं, एचओआर के प्रोविजन बताया। दोनों में अंतर है। आपके अगर ऑफिस जैसे हमारे अभी डीआरएम ऑफिस खुलता है सुबह 10 बजे 9:30 बजे खुलता है, 9:30 बजे आपके ऑफिसर भी आते हैं हम भी आते हैं, हमारे पर एचओआर लागू नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पर लागू नहीं होता तो हम तो आएंगे नहीं ऑफिस, ऑफिस तो टाइम है आने आना ही हो तो। लेकिन एचओआर के प्रोविजन के तहत आपको टाइमिंग वो फिक्स नहीं है, आपको आना नहीं आना फिक्स नहीं है। एचओआर के प्रोविजन की बात करो, दोनों को आपस में कन्फ्यूज मत हो। एचओआर के तहत सुपरवाइजर स्टाफ को के लिए ड्यूटी रोस्टर बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है ना? सर बोलो। हाँ सर, जैसे एचओआर के अकॉर्डिंग आपने कहा कि सुपरवाइजर का कोई फिक्स नहीं है, तो अगर सपोज कि हमने ऑफिशियली किसी का रेस्ट संडे को फिक्स कर रखा है, हाँ तो रेस्ट ले रहे को दिक्कत नहीं, नहीं तो फिर क्या अगले वीक में क्या वो सैटरडे को ले सकता है? क्या फिक्स तो इस बार जैसे संडे को लिया उसने रेस्ट, हाँ और किसी कारण से अगली बार उसने सैटरडे को ले लिया, तो कोई गलत है या सही है? एक वीक में दो बार तो नहीं ले पाओगे ना? नहीं एक वीक में नहीं सर, हाँ नेक्स्ट वीक मतलब 15 दिन बाद 13 दिन बाद। यस देखिए एचओआर के हिसाब से तो मैंने बताया ना, आप कभी भी आप मैनेज कर सकते हैं, एचओआर का कोई दिक्कत नहीं, आप मैनेज कर रहे हो अगर ओटी नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, वीक में एक लेस भी लोग ले ही रहे हैं। लेकिन एचओआर के लिए बताया नहीं है कि आपको लेना है कि नहीं, आप फ्री हो आपको जो करना आपको दिए।
आप समझे नहीं मेरी बात। एचओआर का मतलब समझिए कि ये एचओआर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बाउंड है कि आपके पास जो एम्प्लॉय है आपको उसको 7 दिन में एक रेस्ट देना है, मतलब देना है, ठीक है ना। आप अपने ऊपर मतलब मेरे को क्या करना है वो नहीं। एम्प्लॉय ये जो है, ये जो एप्लीकेशन है, जो रूल्स है वो एम्प्लॉयर के लिए बने हुए हैं कि आपके जो बंदे हैं उसको आपको इतने घंटे का रेस्ट देना है, लॉन्ग ऑन इतना घंटा रखना है, शॉर्ट ऑफ इतना रखना है, इतने घंटे का ओटी देना है। जहाँ सुपरवाइजर की बात है वहाँ एचओआर बोलता है आपको जो करना है करो, हमारे मतलब नहीं, हमारे जैसे कोई दिक्कत नहीं, एचओआर ही बोल रहा है। उसके लिए एम्प्लॉयर के ऊपर यानी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं सुपरवाइजर है तो आपको एक वीक में रेस्ट देना है कि नहीं देना, आपको देना तो नहीं देना बताओ, वो ऐसा कुछ आपका कोई एचओआर बीस नहीं होता, बस समझे नहीं समझे। और एग्जाम्पल एचओआर कोई भी एक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए जैसे अभी लेबर कमिश्नर बताया था आपको आरएससी, तो जो लेबर कमिश्नर के जो ऑफिसर्स होते हैं जिसमें एलईओ होता है, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, आरएलसी सीएससी वगैरह होते हैं लेबर मिनिस्ट्री, ये लोग क्या करते हैं ये रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं। जैसे इनकम टैक्स वाले इनकम चेक करते रहते हैं, कोई आदमी पैसा छुपा तो नहीं रहा सरकार से, है ना, वो रेड मारते हैं। सिमिलरली जो लेबर कमिश्नर के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका ड्यूटी होती है कि जो सरकार ने वेरियस एक्ट्स बनाए हुए हैं वो एक्ट को फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन्हीं एक्ट में अपना एचओआर भी एक्ट है। तो जब एचओआर ये लोग जो लेबर मिनिस्ट्री के लोग जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट में इंस्पेक्शन करेंगे, तो मैं अभी और भी दूसरे एक्ट बताऊंगा लास्ट में, जैसे हमारे डब्ल्यूसी एक्ट भी आता है अभी आएगा अभी, तो वो सारे एक्ट जिसमें इंक्लूडिंग एचओआर एक्ट में देखेंगे कि एचओआर एक्ट का ब्रीच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने होता है हमारे यहाँ बता दू कई जगह रेस्ट महीनों रेस्ट नहीं मिलता, सालों रेस्ट नहीं मिलता, वो एचओआर का ब्रीच हुआ तो वो उसमें हमसे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, तो एचओआर का प्रोविजन के हिसाब से हमको करना है। लेकिन जहाँ सुपरवाइजर की बात आ रही है वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा सुपरवाइजर को अपने रेस्ट को नहीं दिया, वो उसमें जब रूल नहीं आया तो हम फ्री है, सुपरवाइजर को हम हमारे हिसाब से डील कर सकते हैं उसमें। ये है ये एडमिनिस्ट्रेशन ये एक्ट को फॉलो करना जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि सुपरवाइजर को आपको कैसे डील करना है, वो है बात कि एक्ट के अंदर सुपरवाइजर को फ्री छोड़ रखा है, आप उसको कितना